हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त चाइनीज मूवी जो कि भरी हुई है ड्रामा और रोमांस से। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मूवी की शुरुआत होती है हमारे मेन लीड जेसवी से, जो कि रिच और हैंडसम इंसान है। वो एक फॉरेन डिग्री होल्डर है और वाइट डी रियल स्टेट कंपनी का सीईओ है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हमारे फीमेल लीड योंग को, जो अपनी बेस्ट फ्रेंड फिंग के साथ मौजूद थी। उसकी फ्रेंड उससे कह रही थी कि देखो, मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझसे 5 लाख युआन ले लिए, उसके बाद उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब वो मुझसे बात करने को तैयार तक नहीं। तुम प्लीज उससे मेरे पैसे वापस ला दो। मेरी फाइनेंशियल कंडीशन तुम्हारे सामने है, अगर मैंने उससे पैसे वापस ना लिए तो मैं बैंकक्रॉप्ट हो जाऊंगी। तुम जानती हो मुझ पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा लोन है। योन उसे कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पैसे कैसे ले सकती हूँ। फिन उसे कहती है कि अगर तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती तो हमारी फ्रेंडशिप किसी काम की नहीं। तभी योन उसे पूछती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कौन है। फिन कहती है कि वो देखो, ये जो जा रहा है ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम जाके इससे मेरे पैसे मुझे वापस ला दो। तभी योन कहती है कि ठीक है, मैं ट्राई करती। नेक्स्ट सीन में योंग जिसवी के पास पहुंच चुकी थी। वो ड्रिंक उठाकर जिसवी को ऑफर करती है, लेकिन उसके ऊपर ही गिरा देती है, जिस पर जिसवी को कहता है कि तुम्हें पता है कि अटेंशन कैसे ली जाती है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम्हारी ये टैक्टिक्स काफी पुरानी और चीप है, इसलिए ट्राई मत करो। योंग उसे कहती है कि तुम्हारा सूट काफी एक्सपेंसिव लग रहा है, ये 5 लाख युआन का तो होगा ही। जिसवी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे अपनी कीमत बता रही हो, बस मुझे इतना बता दो कि तुम चेक लोगी या कैश। योंग उसे कहती है कि क्या मतलब है तुम्हारा, तुम खुद को समझते क्या हो, तुम ऐसी बात कैसे कर सकते हो, क्या तुम खुद को कोई 30 मार खान समझते हो, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक ही बैट में हरा सकती हूँ, लेकिन याद रखना अगर ये बैट तुम हार गए तो मुझे आराम से 5 लाख युआन दे देना। इसके बाद वो दोनों ड्रिंक करने लगे, लेकिन करते करते वो आखिरी हद तक पहुँच गए, क्योंकि इतनी ड्रिंक करने के बाद तकरीबन वो दोनों ही टून थे। जिसवी उसे कहने लगा कि तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम आराम से मुझसे माफी मांग लो, जबकि योंग उसे कह रही थी कि मुझे मेरे पैसे दो क्योंकि मैं जीत चुकी हूँ। और हाँ, तुम इस तरह से मुझे लड़की लड़की नहीं बुला सकते, मेरा नाम पता नहीं क्या था लेकिन जो भी था, मुझे लड़की मत बुलाओ। ज्यादा ड्रिंक करने की वजह से योंग की तबीयत खराब होने लगी थी, लेकिन वो जल्द ही खुद को संभाल लेती है। जिस भी उसको घूर रहा था तभी वो कहने लगी कि तुम मुझे इस तरह क्या देख रहे हो, तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हारी इस नजर का मैं क्या मतलब लूं। सुबह होते ही जब योंग की आंख खुली तो वो जिसवी के साथ एक ही बेड पर मौजूद थी। इस बात ने उसको काफी शॉक कर दिया। इतने में जिसवी भी उठ गया। वो अभी ठीक से हैरान भी नहीं हुआ था कि योंग उसको किक करके नीचे गिरा देती है, जिससे जिसवी का सर साइड टेबल से लग गया और वो वहीं पर बेहोश हो गया। जिसवी को बेहोश देखकर योंग को कुछ कुछ याद आने लगा कि कल रात क्या हुआ था। फिर वो जिसवी का कार्ड देखती है और सोचती है कि क्या ये फिन का बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो हमारी कंपनी के सीईओ है। इस बंदे को होश आ जाए उससे पहले ही मुझे यहाँ से निकलना होगा, और तभी वो वहाँ से भाग गई। नेक्स्ट सीन में योंग ऑफिस पहुँची तो वो काफी डरी हुई थी। तभी वो बार बार अपने कोलीग से पूछ रही थी, क्या किसी ने मेरे बारे में पूछा, क्या मेरे आने से पहले किसी ने मुझे बुलाया था। उसका कोलीग उसे कहता है कि किसी ने भी तुम्हें नहीं बुलाया, अपना काम करो और मुझे भी आराम से अपना काम करने दो। कुछ ही देर में मैनेजर वहाँ पर आकर उससे कहती है कि ये तुमने कैसा काम किया है, सारी की सारी फाइल मिस्टेक से भरी पड़ी है, एक तो तुमने डिग्री इतनी लो स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी से ली है, ऊपर से वो भी किसी काम की नहीं। योंग उसे अपोलोजाइज करती है और कहती है कि मैं अपनी सारी मिस्टेक्स ठीक कर दूंगी। कुछ ही देर में उसकी कुलीग कहती है कि देखो, हमारे बॉस हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं, तुम्हें पता है कल रात होटल में वो किसी लड़की के साथ मौजूद थे। तभी दूसरा एम्प्लॉय उसको बताता है कि क्या तुम्हें अभी पता चला है, मुझे तो इस बात की सुबह सुबह ही खबर हो चुकी थी। ये न्यूज सुनने के बाद योंग की तो जैसे हालत ही खराब हो गई, वो बहुत ज्यादा नर्वस थी। तभी कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। योंग वॉशरूम जाती इससे पहले ही गार्ड्स उसको लेने के लिए पहुंच चुके थे, जिन्होंने उसको बताया कि हमें वाइस प्रेसिडेंट स्वी ने तुम्हें लेने के लिए भेजा है। मूवी आगे बढ़ी तो गार्ड्स योंग को लेकर वाइस प्रेसिडेंट स्वी के पास पहुंच चुके थे। वाइस प्रेसिडेंट उसको बताता है कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है, कल रात मेरे भाई होटल रूम से बेहोश मिले, उनकी कमर पर काफी जख्म के निशान थे और फुटेज में जो लास्ट लड़की वहां से निकली थी वो तुम थी। मैं तुमसे पूछता हूं कि आखिर तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया जो उनकी ये हालत बना दी। तभी योंग याद करती है कि कल रात उसने किस तरह जिसवी को टॉर्चर किया। योंग उन्हें कुछ बोलती इससे पहले ही जिसवी की आंख खुल चुकी थी। योंग जिसवी के पास जाती है तो जिसवी उससे कहता है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने भाई पर डिपेंड करते हुए गुजारी। सीईओ मैम, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे लोन देंगी, क्या आप मुझे लोन देंगी ना मैम। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन फिर भी मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करने के लिए राजी हूँ, प्लीज आप मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करवा दें। योंग पूछती है कि तुम किस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहे हो और तुम मुझे सीईओ क्यों बुला रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। इतने में वाइस प्रेसिडेंट स्वी कहने लगे कि मैडम ने अभी इंटरनेशनल मीटिंग खत्म की है, वो बहुत ज्यादा थक चुकी है, जिसवी तुम बाद में उनसे बात करने के लिए आना। ये बोलकर वो योंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। बाहर निकलकर वाइस प्रेसिडेंट स्वी योंग से कहने लगे कि देखो, मुझे नहीं पता कल रात तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ जो जिसवी की ये हालत हो गई, बस मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। डॉक्टर ने बताया है कि उसके जिस्म पर बहुत ज्यादा जख्म के निशान है और उसके दिमाग पर भी बुरी तरह असर पड़ चुका है, उसको अब कुछ भी याद नहीं बल्कि वो अपने आप को कुछ और ही समझने लगा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि हो सकता है वो ठीक हो जाए और हो सकता है कि वो कभी भी ठीक ना हो, लेकिन जो भी है हमें उसके साथ रहना होगा। योंग उसे कहती है कि मुझे
कुछ नहीं पता और वैसे भी ये किस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा था और वो मुझे सीईओ क्यों बुला रहा था। तभी स्वी उसे कहता है कि ये खुद को नॉवल का एक कैरेक्टर समझता है, वो जिसवी को नहीं जानता, ना ही उसको अपने पास्ट के बारे में कुछ याद है, बस वो अपने आप को एक प्रोटैगनिस्ट समझ रहा है और शायद तुम्हें भी वो उसी नॉवल का कोई कैरेक्टर समझ रहा है। डॉक्टर्स ने कहा है कि स्ट्रेस उसके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए अब सिर्फ एक ही सलूशन है कि हम उसके साथ बस एक्टिंग करते रहे और जो वो हमें समझता है हम वही कैरेक्टर्स प्ले करते रहे। जब तक वो ठीक नहीं हो जाता तुम्हें उसके साथ उसी कैरेक्टर में रहना होगा, इसके मैं तुम्हें 1,000,000 युआन दूंगा। योंग उसे कहती है ये तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जो भी हो मैं उसके साथ नहीं रह सकती, पता नहीं कि उसमें हमें क्या क्या करना पड़े और वैसे भी ये बहुत बड़ा रिस्क है, मैं ये सब नहीं करना चाहती। स्वी उसे कहता है कि मैं तुम्हें प्रेशराइज नहीं कर रहा, तुम अपना टाइम लो, आराम से सोचकर मुझे बता दो, बट मैं जानता हूँ कि एंड में तुम कन्विंस होने वाली हो। योंग सोचती है मैं 7 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई, मैं 18 ईयर्स की थी जब मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की भी डेथ हो गई जो मुझे पाल रहे थे, तब से लेकर अब तक मेरी जिंदगी पार्ट टाइम जॉब और कर्जे लेते हुए गुजर गई। इस साल मैं 22 साल की हो जाऊंगी लेकिन मैं अब तक कुछ भी नहीं कर पाई, ये जानते हुए भी कि मेरा छोटा भाई मुझ पर डिपेंडेंट है। लेकिन तभी उसको थॉट्स आते हैं और वो कहती है कि नहीं कुछ भी हो जाए मैं ये डील नहीं करूंगी। तभी स्वी उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तसल्ली से सोचकर मुझे जवाब दे देना, मैं इंतजार कर रहा हूँ। योंग के वहाँ से जाने के बाद स्वी किसी को कॉल करके बताता है कि जिस तरह आपने कहा था मैंने उसको एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफर की लेकिन उसने इनकार कर दिया, जिस पर अगला बंदा उसे कहता है कि कुछ भी हो जाए उससे ये डील एक्सेप्ट करवाओ। नेक्स्ट सीन में हम योंग को देखते हैं, वो नॉवल सुन रही थी जिसका कैरेक्टर जिस भी खुद को समझ रहा था। तभी वो कहती है कि ये नॉवल कितना अजीब है। इतने में उसको अपने भाई जुटैंग की एकेडमी से कॉल आती है जिसका टीचर उसको बताता है कि आपका भाई कंपटीशन एग्जाम में इंटर होने वाला है जिसके लिए आपको बहुत बड़ी अमाउंट जमा करवानी होगी, अगर आपका भाई ये कंपटीशन जीत गया तो हो सकता है उसको नेशनल अवार्ड तक मिल जाए, लेकिन याद रखिए इसको अप्लाई करने के लिए काफी सारे पैसे चाहिए। तभी योंग घर सीधा अपने भाई जुटैंग के पास आती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, घर के काम छोड़ दो, जाओ स्टडी करो। जुटैंग उसे पूछता है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तभी योंग कहती है कि कुछ नहीं बस वैसे ही, लेकिन उसके जाने के बाद सोचती है कि इसने मेरे सामने टेस्ट का जिक्र भी नहीं किया, लेकिन अगर ये बता भी दे तो क्या फायदा, मैं इसके लिए कर ही क्या सकती हूँ, कंपटीशन के लिए अप्लाई करने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन तभी वो वाइस प्रेसिडेंट स्वी को कॉल करती है, योंग उनसे कहती है कि मैं आपकी ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ। नेक्स्ट सीन में हम योंग को जिस स्वी के साथ देखते हैं जो उससे अपनी मन की बातें शेयर कर रहा था। योंग उसे लेकर एक स्टोर में चली गई जो उसकी खुद की आंट की थी, जिस स्वी वहाँ पर कुछ शर्ट्स देखता है। तभी योंग अपनी आंट से पूछती है क्या ये महंगी है, जिस पर वो बताती है कि हाँ ये शर्ट बहुत महंगी है। तो योंग उसे कहती है कि इसे मत खरीदो, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। जिसवी ने योंग को कुछ शर्ट सिखाई, तभी उसकी आंट उसे कहती है कि ये शर्ट एक्सपेंसिव नहीं है। इस पर योंग जिसवी से कहती है कि तुम ये शर्ट ट्राई कर लो। जिसवी शर्ट ट्राई करने के लिए अंदर जा चुका था, तभी योंग की नजर उस फोटोग्राफर पर पड़ती है जो उनकी पिक्चर्स खींच रहा था। योंग को याद आता है कि स्वी ने उसे कहा था कि कभी भी पेपराजी फोटोग्राफर्स को जिसवी की पिक्चर्स मत लेने देना। योंग भागकर जिसवी के पास चली गई और उसे कहने लगी कि यहीं पर रहो। जिसवी उसे कुछ कहता है, इससे पहले ही योंग उसके मुंह पे हाथ रख चुकी थी और उसे चुप रहने के लिए कहने लगी, जबकि दूसरी तरफ योंग की आंट उस फोटोग्राफर को डांटते हुए कहती है कि अगर तुम्हें कुछ खरीदना है तो खरीदो वरना यहाँ से चले जाओ। वो लोग ट्राई रूम से बाहर निकले तो उनकी आंटी उनकी शर्ट्स पैक कर चुकी थी। योंग बाहर निकलने ही वाली थी कि वो गिरने लगती है, तभी जिसवी उसको जल्दी से संभाल लेता है। इतने में बाहर खड़ा फोटोग्राफर जल्दी से उनकी एक पिक्चर क्लिक करता है। योंग उसके पास जाते हुए कहती है कि ये कैमरा मुझे दो, तुमने हमारी पिक्चर क्यों क्लिक की है। योंग उस फोटोग्राफर से कहती है कि तुमने हमारी पिक्चर्स क्यों क्लिक की है, अगर तुमने इन्हें किसी भी आर्टिकल में पब्लिश किया तो मैं तुम्हें सू करूंगी। जिस पर फोटोग्राफर उसे कहता है कि तुम जो चाहो कर सकती हो, तुम एक मामूली सी लड़की हो और देखो जो तुम्हारे साथ मौजूद है ये एक बड़ा नाम है। फोटोग्राफर योंग को हिट करने वाला था, इतने में जिसवी उसको पकड़ लेता है। तभी योंग उसे कैमरे से कार्ड निकालकर वहां से भाग जाती है और उसके साथ जिसवी भी वहां से भाग जाता है। योंग जिसवी को वहां से लेकर अपने घर आ जाती है, जहां पर वो जिसवी को डांटती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब लोग तुम्हारी वजह से हमें अटेंशन देते हैं। जिसवी उसे कहता है कि बॉस मुझे माफ कर दे, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से कोई गड़बड़ ना हो लेकिन हो जाती है। जिसवी ने योंग के हाथ पर जख्म का निशान देखा तो वो काफी परेशान हो गया और कहने लगा कि मैं अभी दवा लाकर आपके हाथ पे लगा देता हूँ। योंग उसको मना करती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, ये मामूली जख्म है और ऐसे जख्म खुद ही भर जाते हैं। लेकिन योंग को तो जैसे जिसवी से इरिटेशन ही हो रही थी, अपना हाथ छुड़वा कर कहने लगी कि रहने दो मैं खुद कर लूंगी। जिसवी उससे पूछता है कि मुझे सच सच बताए कंपनी में क्या चल रहा है। योंग पूछती है कि तुम क्या कहना चाहते हो। तभी जिसवी कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, जो लड़का हमारा पीछा कर रहा था वो कोई पेपराजी फोटोग्राफर नहीं बल्कि वो आपका कर्जदार था जो आपसे अपने पैसे मांग रहा था, वरना आप जैसी औरत जो इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ है उसको इतने छोटे घर में रहने की क्या जरूरत, अगर कोई मसला है तो मुझे बता दे, हम दोनों रिलेशनशिप में हैं इसलिए हमें सारे मसाइल को मिलकर हल करना होगा। योंग कुछ कंफ्यूज हो गई और सोचने लगी कि ये तो सारे सिचुएशन को उलट समझ रहा है। योंग सोचने लगी कि मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, मैं तो इसको लेकर विला जाने लगी थी लेकिन जुटैंग के इंतजार में मैं यहाँ पर बैठ गई, मैं तो यहाँ पर अपना बैग पैक करने आई थी। तभी उसको स्वी के एडवाइसेस याद आती हैं जिसने उससे कहा था कि जब तक हम सारे
सारी सेटिंग ना कर ले नॉर्मल के मुताबिक, तुम इसको कुछ भी मत बताना। सारी सेटिंग कंपनी खुद करेगी, इसकी जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। जिसपे उसे कहता है कि घर जितना भी छोटा हो फर्क नहीं पड़ता, बिल आखिर हम दोनों ने रहना तो एक ही रूम में है। इतने में वहाँ पर जुटैंग आ गया, जो पूछने लगा कि मेरे घर में एक मर्द क्या कर रहा है। जुटैंग को देखकर जेसपी भी पूछता है कि हमारे घर में एक मर्द क्या कर रहा है। इस सबसे योंग काफी कंफ्यूज हो गई। नेक्स्ट सीन में योंग उन दोनों के बीच में मौजूद थी और काफी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के बारे में मुसलसल पूछे जा रहे थे। योंग जुटैंग को बताती है कि ये मेरा कुलीग है, आजकल इसे कुछ ज्यादा ही ओवर टाइम करना पड़ रहा है, इसलिए ये मेरे साथ स्टे करेगा। और साथ ही वो जेसपी को समझाने लगी कि तुम आइंदा से ऐसे ही एक्ट करना, हमारे रिलेशनशिप के बारे में मैं अपने भाई को नहीं बता सकती और इसकी कोई भी वजह नहीं है, बस जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। जुटैंग उससे पूछता है कि ये कब तक यहाँ रहेगा। योंग कहती है कि कोई आइडिया नहीं, लेकिन ये कुछ दिन यही रहेगा। जुटैंग पूछता है कि ये कहाँ पर सोएगा, जिस पर योंग कहती है कि ये तुम्हारे रूम में सोएगा। जुटैंग तो जैसे इस बात से चिढ़ ही गया, कहने लगा कि ये मेरे साथ रूम में नहीं सोएगा। तभी योंग उसे कहती है कि कुछ अकल करो, हम दोनों एक रूम में कैसे सो सकते हैं, इसलिए ये तुम्हारे साथ ही सोएगा। योंग जुटैंग से कहती है कि मैं ग्रोसरीज लेने जा रही हूँ, लेकिन मैं तुम दोनों को वार्न करती हूँ कि लड़ना बिल्कुल भी मत। योंग के जाने के बाद जुटैंग जेसपी से कहने लगा कि मुझे तुम्हारे बात करने का अंदाज बहुत बुरा लगता है, मुझे तुम अपनी बहन के रूम के करीब नजर भी ना आओ और ना ही मैं तुम दोनों को अकेले छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में सभी लोग ब्रेकफास्ट के लिए मौजूद थे। तभी जुटैंग योंग से कहने लगा, मुझे लगा मेरी सिस्टर जानती है कि मुझे एग प्लांट्स नहीं पसंद, लेकिन फिर भी तुमने नाश्ते में वही बनाए। इस पर योंग उसको डांटने लगी और कहती है कि तुम इतने पिकी क्यों हो, जो भी बनता है बस खा लिया करो। जेसपी कहता है कि ब्रदर इन लॉ माइंड मत करना, मुझे लगता है कि मेरी वजह से योंग को यह बनाना पड़ा। जिस पर जुटैंग को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे ब्रदर इन लॉ मत बुलाया करो। जुटैंग के इस रिएक्शन पर योंग भी गुस्सा होने लगी और उसे कहती है कि थोड़ी तमीज कर लो, कल भी मेरे जाने के बाद तुम दोनों ने लड़ाई की थी, हालांकि तुम दोनों अच्छे खासे बड़े हो। तुमने रात को इसको रूम से भी बाहर निकाल दिया, जबकि मैंने बोला भी था कि तुम दोनों रूम को शेयर करोगे। तभी जुटैंग कहता है कि देखे, इसने मार के मेरा मुंह सुझा दिया। योंग उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम कितने बदतमीज हो। तभी जुटैंग कहता है कि इस घर में मेरी बिल्कुल भी जगह नहीं, तुम हमेशा उसी की साइड लेती हो, इसलिए मैं जा रहा हूँ। योंग कहती है कि बेवकूफों जैसी बातें मत करो, यहाँ से निकल कर तुम कहाँ जाओगे। तभी जेसपी कहता है कि प्लीज लड़ो मत, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम दोनों मेरी वजह से लड़ रहे हो। ब्रदर इन लॉ प्लीज मुझे माफ कर दे, मैं आपको इस तरह से हर्ट नहीं करना चाहता था। नेक्स्ट सीन में योंग अपने ऑफिस में मौजूद थी, जहाँ पर असिस्टेंट ने फुल टाइम इंटर्नीज की लिस्ट डिस्प्ले की। योंग के कोलीग्स उसको बताने लगे कि देखो, इस लिस्ट में इस बार भी तुम्हारा नाम नहीं आया। असिस्टेंट वहाँ आकर सबको एक्सप्लेन करने लगी कि योंग का स्टैंडर्ड काफी लो है, इससे कोई काम ढंग से नहीं होता और ना ही ये कभी टाइम पर ऑफिस आती है, इसलिए ये फुल टाइम इंटर्नीज में शामिल नहीं हुई। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर बताता है कि मिस योंग, आपका ऑफिस तैयार हो चुका है, आप आकर अपनी सीट ज्वाइन कर ले। तभी वो बाकी एम्प्लॉयज को भी बताता है कि आज से मिस योंग सेक्रेटरी है। असिस्टेंट मैनेजर से कहती है कि सेक्रेटरी की पोस्ट पर तो मेरी अपॉइंटमेंट होने वाली थी, उस पोस्ट के लिए योंग को किसने चूज किया। जिस पर मैनेजर उसको बताता है कि ये बहुत ही टैलेंटेड लड़की है, जिसको बॉस ने खुद ही चूज किया है, और मैं आपसे भी पूछता हूँ कि इतनी हार्ड वर्किंग लड़की को आप फुल टाइम इंटर्नी की पोस्ट क्यों नहीं देती। इस पर योंग भी असिस्टेंट को चिढ़ाने लगी। नेक्स्ट सीन में वाइस प्रेसिडेंट स्वी योंग से पूछते हैं कि जेसपी ऑफिस कैसे आ गया, तुम जानती हो कि वो अपने पास्ट को भुला चुका है, लेकिन वो बिल्कुल नॉर्मल काम कर रहा है, ये कैसे हुआ। योंग कहती है कि ये सब बहुत आसान था, मैंने उसे समझाया कि ये कंपनी मेरी फैमिली ने उसके लिए इन्वेस्ट की है, आज से वो ही इसे संभालेगा, और मैंने उसे ये भी कहा कि एज ए सेक्रेटरी मैं देखना चाहूंगी कि वो किस तरह काम करता है, इसलिए मुझे अपनी सेक्रेटरी का रोल दे दो। फिर उसकी अकलमंदी की तारीफ करता है और उसे अप्रिशिएट करके वहाँ से चला जाता है। योंग मैनेजर के साथ जेसपी के ऑफिस में पहुँचती है, जहाँ पर जेसपी अपना कैरेक्टर अच्छे से निभा रहा था। जेसपी मैनेजर से कहने लगा कि इस प्रोजेक्ट का डिजाइन हमारे स्टैंडर्ड से काफी लो है, इसे दोबारा करके लाओ और इस प्रोजेक्ट की स्पीड को बढ़ाओ, बीच में इतना गैप नहीं आना चाहिए, मैं किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। जेसपी योंग से कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने का कहता है। योंग उसको डॉक्यूमेंट्स देकर जाने ही लगी थी, तभी जेसपी उसका हाथ पकड़ के उसे अपने करीब कर चुका था और साथ ही पूछने लगा कि मेरी एक्टिंग तुम्हें कैसे लगी। जिस पर योंग कहती है कि हाँ हाँ वो ठीक थी। तभी जेसपी उसे बताने लगा कि मैं बहुत नर्वस था। मैनेजर उन दोनों को इतना करीब देख लेता है, जिस पर योंग को काफी बुरा लगता है और वो वहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में योंग अपने ऑफिस एम्प्लॉयज के ग्रुप मैसेजेस देखते हैं, जहाँ पर वो सब उसके कैरेक्टर को डिस्कस कर रहे थे। कोई उसके कैरेक्टर के बारे में कह रहा था कि इसकी प्रमोशन इसलिए हुई है क्योंकि ये जेसपी के साथ रिलेशनशिप में है। कोई कह रहा था कि ये स्वी को पसंद करती है, जबकि कुछ का मानना था कि ये दोनों भाइयों के बीच में दीवार है। ये सब देखकर योंग के तो जैसे होश ही उड़ गए, वो अपने कुलीग से कहने लगी कि मुझे डिस्कस करना बंद करो, सच क्या है ये तुम में से कोई भी नहीं जानता। नेक्स्ट सीन में हम स्वी को देखते हैं, जिसको रिपोर्ट दी जा रही थी कि जैसे आपने प्लान किया था सब कुछ उसके मुताबिक चल रहा है। रिपोर्ट देने वाला उससे कह रहा था कि जो कुछ भी हो उसमें आपका नाम कभी भी नहीं आएगा, होटल में से आपकी एंट्री भी हमने हटा दी है। स्वी सेटिस्फाइड हो जाता है और कहता है कि जबरदस्त, सारी चीजें ऐसे ही चलनी चाहिए, इस दिन के लिए मैंने बहुत
बहुत ज्यादा इंतजार किया। जिसवी को अपने रास्ते से हटाने के लिए मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शक नहीं होना चाहिए और हाँ, जिसवी पर नजर रखना, वो किसी तरह की गड़बड़ ना कर दे। रिपोर्ट देने वाला पूछता है कि जिसवी तक तो ठीक है, लेकिन आपने इस सब में योंग को क्यों इन्वॉल्व किया। स्वी उसे बताता है कि पूरे ऑफिस में योंग और जिसवी के कैरेक्टर को लेकर बातें हो रही हैं। लोग उनके रिलेशनशिप को डिस्कस कर रहे हैं। जिसवी की मेंटल हेल्थ के बारे में किसी को भी पता नहीं लगा और लोग उसके हॉस्पिटलाइजेशन को भी जल्द ही भूल गए। एक तीर से दो शिकार, बस आगे हर चीज पर नजर रखना, किसी किस्म का मसला नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट सीन में योंग को काफी सारे बुके रिसीव हुए, जिससे वो काफी हैरान थी, लेकिन उसकी हैरत में इजाफा वो कार्ड्स पढ़ने के बाद हुआ। बुके मुख्तलिफ लोगों की तरफ से भेजे गए थे, जो उसके लिए अपनी नफरत का इजहार कर रहे थे। कोई कह रहा था कि तुम्हें सेफ देकर हमें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई है, कोई उसे कह रहा था कि तुम्हारी शक्ल भी तुम्हारे कैरेक्टर की तरह डिस्कस्टिंग है। ये सब देखने के बाद योंग काफी डिसअपॉइंट हो गई। तभी वहाँ पर जिसवी आ जाता है और कहता है कि किसी की हिम्मत भी कैसे हुई आपसे ऐसे बात करने की। योंग उसे कहती है कि इस तरह परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, हमारी तरफ लोगों का एटीट्यूड वक्त के साथ खुद ही बदल जाएगा। जिसवी उसे कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। वो जाने लगता है, तभी योंग उसको रोकती है। जिसवी उसे कहता है कि ये सारे मसले मुझे फेस करने होंगे और आपको मुझसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं। वो एक दफा फिर जाने लगा, तभी योंग उसको रोकने लगी। वो योंग को अपने रास्ते से हटा रहा था, तभी योंग पीछे की तरफ गिरने लगी। योंग गिरती इससे पहले ही जिसवी उसको संभाल चुका था। इतने में वहाँ पर जिसवी के ग्रैंडफादर आ जाते हैं, जो जिसवी से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई किसी लड़की को स्लैप करने की। मूवी आगे बढ़ती है तो ग्रैंडपा के बुलाने पे योंग उनके ऑफिस में मौजूद थी, जहाँ पर ग्रैंडपा उससे पूछ रहे थे कि कुछ दिनों पहले जिसवी की तबीयत कैसे थी। योंग उन्हें बताती है कि पिछले कई दिनों से ये बिल्कुल नॉर्मल थे, वर्क पे भी उनका बिहेवियर बिल्कुल प्रोफेशनल था। पता नहीं अचानक से क्या हो गया जो इनकी तबीयत ऐसी हो गई। ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि ठीक है, लेकिन आइंदा से तुम दोनों को सावधान रहना होगा। जिस हालत में मैंने तुम दोनों को देखा, कोई और डायरेक्टर ना देख ले। योंग कहती है कि आप टेंशन मत ले, मैं आइंदा से एहतियात बरतूंगी। इतने में वहाँ पर जिसवी ग्रैंडपा के लिए चाय लेकर आ जाता है, लेकिन चाय से सिप लेते ही ग्रैंडपा का मुंह जल चुका था और वो जिसवी से कहने लगे, मैं जानता हूँ ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है। योंग, मैं तुमसे कहता हूँ कि इस लड़के के साथ अभी के अभी ब्रेकअप करो। योंग कहती है कि नहीं, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। भले हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, लेकिन मैं इसे दिल से पसंद करती हूँ। जिसवी कहते हैं कि प्लीज इसे इस चीजों के लिए फोर्स मत करें, उसकी कोई गलती नहीं है, सभी गलती मेरी है। ग्रैंडपा योंग से कहने लगे कि अगर तुमने इस लड़के के साथ ब्रेकअप ना किया तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूंगा और मेरी प्रॉपर्टी और मेरे बैंक बैलेंस में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं। योंग कहती है कि मैं अपना माइंड बना चुकी हूँ, कम अज कम इस जन्म में तो मैं इस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि इसके बगैर मेरा जिंदा रहना मुमकिन नहीं। जिसवी, जो अपने ग्रैंडपा को योंग का ग्रैंडपा समझ रहा था, घुटनों के बल झुककर उनसे माफी मांगने लगा और उनसे कहता है कि प्लीज योंग को इस सब के लिए फोर्स मत करो। योंग उसे हाथ से पकड़कर उठाती है और कहती है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे साथ मैं सड़क किनारे भी खुशी खुशी रह सकती हूँ। अगले सीन में योंग ऑफिस से घर आ रही थी और आते हुए वो नॉवल पढ़ रही थी, जिसका कैरेक्टर जिसवी खुद को समझ रहा था। इस सब से वो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और सोचती है कि ये कैसी स्टोरी है, मैं किस मुसीबत में पड़ चुकी हूँ। लेकिन जैसे ही वो घर पहुँची, उसका मूड एकदम से चेंज हो गया था। उसकी हैरत में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ, क्योंकि जिसवी ने उसके लिए बहुत अच्छा खाना तैयार किया था। जिसवी योंग से कहने लगा, क्या तुम पहले खाना खाओगी या पहले शॉवर लोगी? तो कहता हूँ कि पहले खाना खा लो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जबरदस्त खाना तैयार किया है जो कि ठंडा हो जाएगा। के साथ ही वो योंग से सारी चीजें ले लेता है। अपना पर्स, अपनी सारी चीजें मुझे पकड़ा दो, तुम थक चुकी हो, बैठकर आराम से खाना खाओ। जिसवी के इस बिहेवियर से योंग बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी और वो जिसवी से पूछने लगी कि ये क्या, तुमने अचानक से इस तरह मेरे लिए खाना क्यों बनाया? जिसवी उसको बताने लगा कि जिस तरह सब कुलीग्स के सामने तुमने मेरी साइड ली और जिस तरह तुमने ग्रैंडपा के सामने मुझे डिफेंड किया, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरा मन उस सब की वजह से आज बहुत खुश था, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हारे लिए खाना बना लूं। योंग पूछती है कि ग्रैंडपा ने कहा कि वो मुझे सारी चीजों से बाहर निकाल देंगे अगर वो अपनी प्रॉपर्टी और अपना बैंक बैलेंस अपने पास रखते हैं और मुझे शेयर्स नहीं देते, तो क्या तुम बुरा मानोगे? जिस पर जिसवी उससे कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारा इतना बड़ा नुकसान हो, ये बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। योंग मन ही मन में सोचती है कि मुझे लगा था ये बंदा मेरी कंपनीज और मेरे पैसों के लिए मेरे पीछे पड़ा है, लेकिन मैं गलत थी। जिसवी उसे कहता है कि प्लीज आप खाना खाएं, खाना ठंडा हो जाएगा। योंग राइस ट्राई करती है, लेकिन ट्राई करते साथ ही उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे, क्योंकि राइस में नमक बहुत ज्यादा था। लेकिन जिसवी का दिल रखने के लिए वो राइस निगल लेती है। नमक की वजह से उसने राइस को छोड़कर मैश पोटैटोस को ट्राई करने का सोचा, लेकिन उसको ट्राई करते ही उसके मुंह से जैसे चीखें निकल गई। मैश पोटैटोस में तो जैसे स्पाइसेस की भरमार थी, उसके तो जैसे कानों से धुआं ही निकल रहा था। इतने में बेल बजी तो योंग दरवाजा खोलने के लिए बाहर आ चुकी थी, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट स्वी मौजूद थे। वो पूछती है कि आप यहां सब खैरियत तो है? तभी स्वी कहता है कि हां बस खैरियत है, मैं सिर्फ अपने भाई को देखना चाहता था। वाइस प्रेसिडेंट स्वी अंदर आया तो उसको देखकर जिसवी का मूड खराब हो चुका था। तभी वो कहता है कि देखें, समझने की कोशिश करें, ये हमारी बॉस
बॉस का घर है, यहाँ हर कोई मुंह उठाकर नहीं आ सकता। लेकिन श्री उसकी बात सुनी अनसुनी कर देता है। तभी वहाँ पर जुटेंग आ गया जो पूछता है कि ये दूसरा आदमी कौन है, आखिर मेरे घर में क्या चल रहा है। योंग उसे चुप रहने का कहती है और उसे कहती है कि आओ हमें ज्वाइन करो। तभी जुटेंग ने जिसवी को वहाँ से उठने का इशारा किया और खुद उसकी जगह पर आकर बैठ गया। योंग प्रेसिडेंट श्री को खाना ऑफर करती है और कहती है कि ये खाना मिस्टर जिसवी ने अपने हाथों से बनाया है। जिसवी प्रेसिडेंट श्री को अपना खाना खिलाता है जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी था। जिसवी का दिल रखने के लिए श्री उससे कहने लगा कि खाना बहुत मजे का है। तभी जिसवी उसे कहता है कि ठीक है तुम और भी खाओ, लेकिन श्री मना करके कहता है कि मैं घर से खाना खा के आया था। योंग जानती थी कि खाना कैसा है। तभी वो कहती है कि मैं आपको पानी ला देती हूँ और पानी लेने के लिए वो किचन में आ गई। जिसवी भी उसके पीछे पीछे किचन में आ गया। योंग उससे पूछने लगी कि तुम किचन में क्या कर रहे हो, लेकिन जिसवी तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। उससे पूछने लगा तुम अब तक उसे पसंद करती हो, ऐसा क्या है उसमें जो तुम अब तक उसे इतना पसंद करती हो। योंग उसे कहने लगी तुम किसकी बात कर रहे हो, ये तुम क्या बोल रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। जिसवी उसे कहने लगा मैं जानता हूँ तुम्हें वाइस प्रेसिडेंट के कंपैरिजन में मैं इन्फीरियर लगता हूँ। योंग सोचने लगे कि अच्छा वही हुआ जिसका डर था, नॉवल वाली सिचुएशन यहाँ पर भी क्रिएट हो चुकी है। योंग जिसवी को समझाने लगे कि मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। तभी जिसवी उससे कहता है कि मैं कभी भी उसको रिप्लेस नहीं कर सकता, आखिर ऐसा क्यों होता है। जिसवी उसको बाथरूम से पकड़ता है। योंग अपने आप को छुड़ा रही थी और उससे कहने लगी कि मुझे फोर्स मत करो। जिसवी कहता है मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा, लेकिन तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। तभी योंग अपने आप को छुड़ाने के लिए उसको धक्का देती है, जिससे जिसवी का सर एक दफा फिर से दीवार से जोर से जा लगा। दीवार से टकराने की आवाज सुनकर श्री और जुटेंग भी वहां पर पहुंच गए। श्री जिसवी को वापस काउच पर बिठाता है और उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो। योंग श्री को एक्सप्लेनेशन देती है कि इस बार मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। लेकिन उस टक्कर के साथ ही जिसवी को याद आ गया कि उसके साथ क्या हुआ था। अब वो सारी सिचुएशन समझ चुका था, लेकिन वो इस बात से पजल था कि इस सब के पीछे कौन है। वो मन ही मन में सोचने लगा क्या मुझे नॉर्मल हो जाना चाहिए या अपनी एक्टिंग जारी रखनी चाहिए। यह एक्टिंग इतनी मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं इसी को जारी रखूंगा। जुटेंग की शर्ट पर बने हुए पिक्चर को देखते हुए वह एक इमेजिनरी शॉट से योंग पर हमला करता है और कहता है कि तुम एक चुड़ैल हो, शहजादे को मेरे हवाले कर दो। इस पर सभी कंफ्यूज हो गए और समझ गए कि ये अभी तक उसी मेंटल कंडीशन में है। नेक्स्ट सीन में श्री वहां से जाने के लिए निकल चुका था। तभी वो योंग से पूछता है कि मैं जानता हूँ ये सब तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन इसे तुम्हें अच्छे से हैंडल करना होगा। वो योंग से जिसवी के ऑफिस में बिहेवियर के बारे में पूछता है और उससे पूछता है कि क्या ग्रैंडफादर ने कुछ कहा था। योंग उससे कहने लगी कि नहीं उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तभी श्री वहां से चला गया। जिसवी वहां पर बैठे सोच रहा था कि देखो मैं किस किस्म की जगह पर रह रहा हूँ, यही दिन देखने थे मुझे। तभी वहां पर योंग आ जाती है जो उसे पूछने लगी कि मुझे बताओ तुम अपने नॉवल के कौन से आर्टिकल में हो। जिसवी उसे बताता है कि मैं नॉवल के आर्टिकल नंबर 39 में रह रहा हूँ, जहाँ पर मुझे जस्टिस के लिए बहुत बड़ी जंग लड़नी होगी। मैं जानता हूँ कि हमारी प्रिंसेस तुम्हारी कैद में है, लेकिन मैं उसको आजाद करवाने के लिए कुछ भी करूंगा, ये याद रखना कि मेरी नजरें तुम पर हैं। नेक्स्ट सीन में जिसवी योंग के बेड पे सो रहा था। तभी योंग उसके पास आकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो बाहर सोफे पे सोना चाहिए था। जिसवी उसे कहने लगा कि आज से मैं यहीं पर सोऊंगा और तुम बाहर सोफे पे सोओगी। तभी योंग उससे कहती है कि क्यों, क्योंकि तुम्हारी स्क्रिप्ट चेंज हो गई है, मुझे लगता है कि तुम्हारे नॉवल के आर्टिकल के साथ साथ हम सब अपनी सारी चीजों को एडजस्ट करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ से उठो और बाहर निकलो। जिसवी उसे कहता है कि मैं जानता हूँ तुम एक चुड़ैल हो जो अपने जादू के साथ मेरा पीछा कर रही है। योंग उसे हाथ से पकड़ के वहां से निकालने लगी, तभी उनकी फैमिली पिक्चर गिरकर टूट गई। जिसवी अपोलोजाइज करता है, लेकिन योंग उसे कहती है कि यहां से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। मूवी आगे बढ़ी तो योंग जिसवी के साथ उसके ऑफिस में मौजूद थी और वो जिसवी से कह रही थी कि देखो मैं इंसान हूँ कोई जिन नहीं, पिछले 3 दिनों से तुम मुझे काम पे काम दिए जा रहे हो, लेकिन अब मेरी बस हो चुकी है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ ही दिनों में मैं काम के बर्डन की वजह से पिघलने लगूंगी। तभी जिसवी उसे कहता है कि तुम एक विच हो जिसको कभी थकावट फील नहीं होती। जिसवी उसे कुछ बुक्स देते हुए कहता है कि 30 मिनट के अंदर इन सारी बुक्स को पढ़ो, इन्हें समराइज करो और मेरे सामने पेश करो। योंग कहती है कि देखो मिस्टर मैं इंसान हूँ, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं जो 30 मिनट में इतना सारा काम तुम्हें करके दे दूं। जिसवी उसे कहता है कि ठीक है अगर तुम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं तो मैं तुम्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिप्लेस करने लगा हूँ। अपने रिप्लेसमेंट का सुनकर योंग ना चाहते हुए भी वो काम करने लगी। नेक्स्ट सीन में योंग अपने ऑफिस में थकावट की वजह से सो रही थी। तभी मैनेजर उसके पास फाइल लेकर आए और उसे कहने लगे कि ये आप बॉस को दे दीजिएगा, लेकिन अगर आपने लंच के लिए जाना हो तो पहले अपनी शक्ल को शीशे में जरूर देखना। योंग बाहर निकली तो सभी कोलीग्स उसको देख देखकर हंस रही थी। जब उसने अपनी शक्ल को फोन में देखा तो वो बहुत ही हैरान हो गई, क्योंकि जिसवी उसकी फोरहेड पर स्टैंप लगा चुका था। वो अपना लंच लेकर जिसवी के पास आई और उसे कहने लगी कि मेरी बस हो चुकी है, अगर मैं विच होती तो भी मेरी बस हो चुकी होती, क्योंकि विच की पेशेंस की भी एक हद होती है। जिसवी अपनी बात सुनी अनसुनी कर देता है और अपनी बाउल में से बॉल पेपर निकालकर उसके बाउल में डालते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ सब विचेस को ये बहुत पसंद होते हैं। जिस पर योंग अपने चॉपस्टिक से उस पर मैजिक करने की एक्टिंग शुरू कर देती है। जिसवी अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी योंग कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर उसके पास आए और उसे कहने लगी कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू कर दें और हाँ आज मुझे अपने घर टाइम पर जाना होगा क्योंकि मुझे कुछ काम है। जिसवी कहता है कि
तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। तुम जाओ और मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ। योंग पूछती है कि आप अब भी वही कॉफी पसंद करते हैं जो आप पिछले कई हफ्तों से पी रहे थे। तभी जिसवी कहता है कि नहीं, मेरी चॉइस अब बदल चुकी है। योंग जिसवी से कॉफी में उसकी लेटेस्ट चॉइस के बारे में पूछता है, जिस पर जिसवी उससे कहने लगा, मैं नहीं बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि तुम खुद ही गैस करो। उसकी इस बात पर तो योंग जैसे चिढ़ ही गई। वो कहती है कि ठीक है, मैं अभी गैस करती हूं। जिसवी के पास जाकर योंग ने उसको गले से पकड़ लिया और कहने लगी कि मैं एक ही दफा तुम्हारा गला दबाकर अपनी जान छुड़वाना चाहती हूं। मेरी पेशेंस खत्म हो चुकी है और इससे ज्यादा बर्दाश्त मैं नहीं कर सकती। इतने में वहां पर मैनेजर आ चुका था, जो उसको इस हालत में देखकर कहता है कि आप लोग जारी रखें, मैं दोबारा नहीं आऊंगा। लेकिन जिसवी चिल्ला चिल्लाकर उससे कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। मैनेजर के कहने पर योंग उसको छोड़ देती है और वहां से निकल जाती है। तभी जिसवी मैनेजर के पास आकर उससे पूछता है कि ये लड़की इतनी अजीब क्यों है। तभी मैनेजर कहता है कि ये लड़की बिल्कुल भी अजीब नहीं है, कहीं आपने उसको नाराज तो नहीं कर दिया? अगर ऐसा है तो आपको उससे माफी मांगनी चाहिए। तभी जिसवी कहता है कि मैंने उसको बिल्कुल भी नाराज नहीं किया, बस इसके घर में मुझसे एक फ्रेम टूट गया था। मैनेजर उसे बताता है कि आपने मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उसके लिए मैंने एक सीक्रेट एजेंसी को हायर कर दिया है, लेकिन मुझे डर है कि कहीं ये खबर फैल ना जाए। जिसवी मैनेजर से कहता है कि सीक्रेट एजेंसी को रहने दो, तुम ऐसा करो सारी इन्वेस्टिगेशन अपने अंडर करवाओ, मुझे यकीन है कि इस सब के पीछे कोई अपना ही है। तुम पूरे ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज चेक करो और हाँ, उस होटल की भी फुटेज जरूर चेक करना, लेकिन याद रखो कि किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाहर से गुजरते हुए असिस्टेंट को देखने के बाद जिसवी दोबारा अपने कैरेक्टर में आ चुका था और मैनेजर से कहने लगा कि किसी भी तरह हमें उस विच से अपनी जान छुड़ाना होगी। नेक्स्ट सीन में योंग जिसवी के साथ एक ग्रोसरी स्टोर में मौजूद थी। वो दोनों ग्रोसरी खरीद रहे थे। जिसवी रेड मीट उठाता है तो योंग उसे रोकती है और कहने लगी, क्या तुम नहीं जानते कि रेड मीट खाने से कैंसर हो सकता है, इसलिए हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। जिसवी ने उसके कहने पर रेड मीट वापस रख दिया और उसने कुछ फिशेज उठाई। तभी योंग उसे कहती है कि तुम फिश कैसे उठा सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि फिश कितनी क्यूट होती है, हम इसको कैसे खा सकते हैं, ये बहुत बड़ा जुल्म है। तभी वो जिसवी को कहती है कि पीछे हटो, मैं खुद ही ग्रोसरी खरीद लेती हूँ। आगे बढ़कर उसने सबसे पहले स्मॉल फिश उठाई। तभी जिसवी उसे कहता है कि तुम फिश कैसे उठा सकती हो, अभी तो तुमने कहा कि ये जुल्म है। योंग उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि फिशेज बहुत क्यूट होती है और मुझे फिश बहुत पसंद है, लेकिन मैं इसको बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ खाऊंगी। वो मजीद आर्ग्यू करते इससे पहले ही एक लड़की वहाँ पर आ गई, जो कि जिसवी को स्वीट ओपा बुला रही थी। वो उसे बताने लगी कि आपको देखने के लिए मैं हॉस्पिटल भी आई थी, लेकिन मुझे किसी ने भी अंदर आने नहीं दिया। जिसवी उसे कहता है कि तुम परेशान मत हो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। योंग जिसवी से उस लड़की के बारे में पूछती है। तभी जिसवी उसको बताने लगा कि ये नेबर कंट्री की प्रिंसेस है और मेरे पेरेंट्स ने इसके साथ मेरी एंगेजमेंट करवा दी है, लेकिन प्लीज तुम किसी भी तरह इससे मेरी जान छुड़वा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इससे शादी नहीं करना चाहता। योंग पूछती है कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। जिसवी कहता है कि जो भी तुम मांगो। योंग कहती है कि ठीक है, मैं इससे तुम्हारी जान छुड़वा दूंगी, लेकिन इसके बदले में फ्यूचर में मेरे घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर होंगी। तभी जिसवी कहता है कि ठीक है, मैं राजी हूँ। वो दोनों वापस उस लड़की के पास आए। तभी जिसवी उस लड़की को बताता है कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। वो लड़की कहती है कि ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है, तुम दोनों का कपल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और वैसे भी सब लोग जानते हैं कि इस लड़की का तुमसे पहले तुम्हारे भाई के साथ अफेयर था। तभी योंग उसे कहती है कि तुम्हें इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं, हम दोनों साथ में अच्छे लगे या ना लगे इस बात का तुमसे कोई लेना देना नहीं, और ना ही तुम कोई होती हो जो मुझे बताओ कि मैं इसके साथ सूटेबल लगती हूँ या नहीं, तुम प्लीज यहाँ से चली जाओ। वो लड़की अपने स्वीट ओपा को समझाने लगी कि प्लीज होश के नाखून लो, तुम्हारे लिए तुम्हारे स्टैंडर्ड की लड़की होनी चाहिए। योंग उसे कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हारी तसल्ली नहीं हो रही तो मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे चीजों को अच्छे से एंड करना आता है। तभी वो जिसवी को किस करने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन हेजिटेशन की वजह से वो ये नहीं कर पा रही थी। तभी वो गिरने लगी। जिसवी उसको संभालने लगता है कि वो दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं, जबकि पीछे खड़ा पेपराजी फोटोग्राफर इस सारी सिचुएशन को अपने कैमरे में बंद कर रहा था। नेक्स्ट सीन में जिसवी अपने ऑफिस में मौजूद था, तभी उसका मैनेजर उसके पास आता है। जिसवी मैनेजर से पूछता है कि सी साइड प्रोजेक्ट का क्या बना। तभी मैनेजर उसको बताता है कि वो प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए हमें पहले पूरे एरिया को साफ करना पड़ेगा। ज्यादातर एरिया से हम घरों को डिमोलिश कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारी जगह है जहाँ पर अब भी घर कायम है। एक्चुअली वहाँ पर एक गाँव बसता है जहाँ के लोग बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी। इस सब को हैंडल करने के लिए कंपनी की तरफ से एक टीम बनाई गई है जो कि वहाँ पर जाकर डिमोलिशिंग के लिए हेल्प करेगी। वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि उस टीम में योंग भी मौजूद है। तभी जिसवी कहता है कि ठीक है, फिर मैं भी उस टीम के साथ वहाँ पर जाऊंगा। मैनेजर उसे कहता है कि आपको इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बल्कि आपको ये प्रोजेक्ट ही नहीं लेना चाहिए था। मुझे तो समझ नहीं आती आपने इतना डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट क्यों लिया। जिसवी उसे कहता है कि तुम जानते हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से किसी ने भी इसको लेने से मना कर दिया था, इसलिए किसी न किसी को तो इसे करना ही था और मैं इसको करके ही रहूंगा। मैनेजर जिसवी से पूछता है कि आपने वापस हेडक्वार्टर्स को क्यों ज्वाइन कर लिया जबकि आप ऐसा नहीं जाते थे। तभी जिसवी उसको बताता है कि जब ग्रैंडफादर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा तो मुझे मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो समझ जाते कि मेरी मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है। जिसवी
उसके मैनेजर से सीसीटीवी फुटेज के बारे में पूछता है तो मैनेजर ने उसको बताया कि उसमें से हमें बिल्कुल भी डेटा नहीं मिला क्योंकि वो सबका सब डेटा गायब हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ ग्रैंडपा के गार्ड्स उनको जिस्वी और योंग की वो पिक्चर दिखाते हैं जो पेपराजी ने क्लिक की थी, जिस पर ग्रैंडपा को काफी गुस्सा आता है। तभी जिस्वी उसको एडवाइस करता है कि तुम सब पे नजर रखना। ग्रैंडपा कहते हैं कि मैंने योंग से कहा भी था कि तुम जिस्वी के साथ ब्रेकअप करके स्वी का ख्याल रखो, लेकिन इसको देखो क्या करती फिर रही है। ग्रैंडपा अपने गार्ड से कहते हैं मैंने तुम्हें योंग की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था, उसका क्या बना। उनको एक कॉल मिलाकर देते हैं, तभी उनको पता चलता है कि योंग का ताल्लुक किस फैमिली से है। अगले सीन में योंग जिस्वी के साथ सी साइड पे मौजूद थी। योंग जिस्वी से काफी दूर दूर थी, तभी जिस्वी उससे पूछता है कि उस दिन सुपरमार्केट में जो कुछ हुआ क्या उसकी वजह से तुम मुझसे अब तक नाराज हो। योंग उससे कहने लगी कि नहीं, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, मैं सिर्फ क्यूरियस हूँ। मुझे पता चला था कि आपको सी ब्रीज से एलर्जी है, फिर आप यहाँ पर क्यों आए। जिस्वी उसे कहने लगा कि ऑफिस में बैठकर जो रिपोर्ट्स हमें मिलती हैं और जो हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं, इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क होता है, इसलिए मुझे खुद यहाँ पर आना पड़ा। योंग जिस्वी से पूछती है कि ऐसा भी क्या होने वाला है, लेकिन जिस्वी उसे कुछ नहीं कहता। तभी योंग कहने लगी कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो और इसकी एक वजह और भी है, लेकिन तुम उसे रहने दो, बस मैं तुम्हें इतना बता दूं कि कुछ भी हो जाए तुम मेरे पीछे ही रहना। ठीक है कि पिछली बार मैंने कुछ गड़बड़ कर दी थी, लेकिन इस बार मैं कुछ भी गलत नहीं होने दूंगी। तभी जिस्वी उसे कहने लगा कि तुम्हें हर चीज बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मूवी आगे बढ़ी तो योंग जिस्वी के साथ एक घर के बाहर मौजूद थी। वो लोग नॉक करते हैं, तभी एक ओल्ड लेडी बाहर आई। योंग उन ग्रैनी को बताती है कि एक्चुअली हम यहाँ पर ट्रिप पे आए थे, लेकिन अब हमें ब्रिज के रास्ते का नहीं पता, क्या आप हमें गाइड कर सकती हैं? लेकिन ग्रैनी उनकी हेल्प करने से मना कर देती है। तभी योंग पूछती है कि आगे पीछे के सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं, आप अपना घर खाली क्यों नहीं करती। ये सुनने के बाद ग्रैनी जल्दी से अपना गेट बंद करने लगी, तभी योंग की उंगलियाँ उसी में फंस जाती है। ये देखकर ग्रैनी को काफी बुरा फील होता है, इसलिए वो योंग और जिस्वी को अपने घर के अंदर बुला लेती है। अगले सीन में वो योंग और जिस्वी को चाय सर्व कर चुकी थी। जिस्वी वो चाय पीने से काफी हेजिटेट कर रहा था, तभी योंग उसे बताती है कि पी लो, ये कप साफ है, बस पुराना है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चाय काफी मजेदार है। जिस्वी ट्राई करने के बाद बताता है कि हाँ चाय वाकई बहुत अच्छी है। इतने में ग्रैनी वहाँ आ चुकी थी। वो योंग को बैंडेज देती है और उनसे पूछने लगी कि तुम लोग यहाँ क्यों आए थे। योंग उन्हें बताती है कि हम यहाँ ट्रिप पे आए थे। तभी ग्रैनी कहती है कि मुझे बेवकूफ मत बनाओ, तुमने हाई हील्स पहनी हुई है और तुम बीच पे आई हो। योंग उन्हें बताती है कि मेरी फोटोज अच्छी है इसलिए मैंने हाई हील्स पहनी हुई है, आपको अंदाजा तो होगा हाई हील्स में पिक्चर्स कितनी अच्छी आती है। ग्रैनी कहती है पता नहीं, ये तुम्हारी जनरेशन की थॉट्स है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। तभी वो पूछती है क्या ये लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, और तभी वो जिस्वी को डांटने लगी कि अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड यहाँ हील्स पहनकर आ रही थी तो तुम्हें उसको मना करना चाहिए था, तुम तो जानते हो कि ये एक साइड का इलाका है। हम उन्हें बताने ही वाली थी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन जिस्वी ने उसे रोका और कहने लगा कि ज्यादा बातें मत करो, ऐसा ना हो कि हमारी सिचुएशन खुलकर सामने आ जाए। योंग एक पिक्चर देखती है जिसमें ग्रैंडमा अपने ग्रैंडसन के साथ मौजूद थी। योंग पूछती है कि क्या ये आपका पोता है। उसका जिक्र सुनते ही ग्रैंडमा ने रोना शुरू कर दिया और कहने लगी कि कई साल पहले ये काम के लिए गया था, लेकिन तब से इसकी कोई खबर नहीं मिली। उन्हें कहती है कि आप इस तरह परेशान मत हो। योंग अपने पर्स से टिश्यू निकालने लगी, लेकिन उनका सारा पर्स उलट गया और सारी चीजें नीचे गिर गई। तभी ग्रैंडमा चीजें उठाने में उसकी हेल्प करती है। ग्रैंडमा के हाथ में योंग के कंपनी का कार्ड लगा, जिससे उसको पता चल गया कि इन दोनों का ताल्लुक एक रियल स्टेट कंपनी से है। ग्रैंडमा उन दोनों को घर से बाहर निकालती है और कहती है कि रियल स्टेट कंपनी के किसी बंदे को मैं अपने घर में पाँव भी ना रखने दूं। बाहर निकाले जाने के बाद जिस्वी योंग से कहने लगा कि तुम परेशान मत हो, ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था। तभी योंग उसे कहती है क्या तुमने कुछ नोटिस किया। जिस्वी के पूछने पर योंग उसको एक्सप्लेन करती है कि देखो जब ग्रैंडमा के सामने हमने उनके ग्रैंडसन का जिक्र किया तो उनका मूड कितना सैड हो गया, अगर किसी भी तरह हम उनके ग्रैंडसन को उनसे मिला दे तो देखना वो हमारी हर बात मान जाएंगी। जिस्वी कहता है कि नहीं, हमें प्रोफेशनल होकर सोचना पड़ेगा, ये सोल्यूशन नहीं है। तभी योंग कहती है कि देखो अगर कोई मुझे मेरी फैमिली से मिलवा दे तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ उसके लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि योंग के हाथ में एक बॉक्स मौजूद है और वो दोबारा उस ओल्ड लेडी के घर में जाती है, लेकिन योंग को देखते ही वो ओल्ड लेडी गुस्सा होने लगी और कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की। वो धक्के देकर उसको बाहर निकाल रही थी। तभी योंग कहती है कि एक मिनट, पहले मेरी बात सुन ले। योंग उन लेडी को बताती है कि आपके ग्रैंडसन को हमने ट्रेस करने की कोशिश की और हमें कुछ न्यूज मिली है। हमें पता चला है कि आपका ग्रैंडसन काम करने के लिए मलेशिया गया था, लेकिन वहाँ पर उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी और उसकी डेथ हो चुकी है। अब वो हमारे बीच में नहीं रहा, बस उसकी कुछ चीजें हैं जो मैं आप तक पहुँचाना चाहती थी, वो इस बॉक्स में मौजूद है। ये सुनने के बाद ग्रैंडमा बहुत ज्यादा अपसेट हो गई और वो बुरी तरह रोने लगी। तभी योंग उन्हें कहती है कि आपके पोते ने कुछ पैसे भी बचाए थे जो इस कार्ड में मौजूद है। योंग उन्हें एक और कार्ड देती है और बताती है कि हमारी कंपनी ने भी आपको कुछ अमाउंट दी है, जिस पर उन आंटी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि क्या तुम हमारे घर को डिमोलिश करने की रकम दे रही हो मुझे। योंग कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप अपने ग्रैंडसन का
अच्छा सा फ्यूनरल अरेंज करे। और लेडी उससे माफी मांगने लगी और कहने लगी कि मुझे तुम्हारे साथ इतना अनफेयर बिहेवियर नहीं रखना चाहिए था। मैं एक्चुअली अपने घर को डिमोलिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरा ग्रैंडसन जब भी वापस आए मैं यहाँ पर उसके इंतजार में हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊँ और वो मुझे ढूंढता फिरे। लेकिन अब जब सारी चीजें इस तरह वाइंड अप हो चुकी है तो मेरे पास यहाँ रहने की कोई रीजन नहीं बची। योंग वापस जिस्वी के पास आए लेकिन ओल्ड लेडी के गम में वो भी बहुत ज्यादा सैड हो चुकी थी। तभी जिस्वी उसको हग करके उसको तसल्ली देता है। नेक्स्ट सीन में जिस्वी योंग के साथ कंपनी में मौजूद था। तभी मैनेजर आकर उसको बताता है कि डिमोलिशन प्रोसेस खत्म हो चुका है, जल्द ही हम अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट करने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश हो गए। नेक्स्ट सीन में जिस्वी योंग के लिए चाय लेकर आया। तभी उसने देखा कि योंग ऑफिस में ही सो रही थी। इस पर वो सोचने लगा कि इसका कैलिबर थोड़े ही टाइम में कितना बढ़ चुका है। योंग की आंख खुली तो वो देखती है कि वो ऑफिस में मौजूद है। तभी उसकी नजर असिस्टेंट पे पड़ी जो उसके फाइल से पिक्चर्स ले रही थी। योंग उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। असिस्टेंट उसे बताती है कि मैं बॉस को ये फाइल देने आई थी। योंग उसे वहाँ से जाने का कहती है लेकिन वो कुछ शक में पड़ चुकी थी। इतने में योंग की नजर सामने पड़े ब्रेकफास्ट पे पड़ती है, जिसको देखकर वो कुछ चौंक जाती है। लेकिन जल्द ही वो नोट पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि ये किसी और की तरफ से नहीं बल्कि जिस्वी की तरफ से है। नोट पर जिस्वी की तरफ से मैसेज था कि अच्छे से रेस्ट कर लो, तुम थक चुकी हो, और हाँ ब्रेकफास्ट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जबकि दूसरी तरफ जिस्वी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ मीटिंग में मौजूद था। मीटिंग खत्म हुई तो मैनेजर इस प्रोजेक्ट को लेकर उसको मजीद डिटेल्स देने लगा। मैनेजर जिस्वी को बताता है कि सी साइड का ये प्रोजेक्ट इसलिए स्टार्ट किया गया था ताकि हमारी कंपनी ओवरसीज चाइनीज को एक प्लेटफॉर्म दे सके। लेकिन अब ऐसे लगता है जैसे सभी डायरेक्टर्स की डायरेक्शंस चेंज हो गई हैं, इसलिए हमें चाहिए कि हर डिपार्टमेंट से उनकी प्लानिंग वाजिया करने के लिए बोले। जिस्वी मैनेजर से कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ और बिल्कुल ऐसे ही होगा, तुम टेंशन मत लो। तभी जिस्वी मैनेजर से कहने लगा कि इस सब के अलावा मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मैनेजर के पूछने पर जिस्वी उसको बताने लगा कि एक वीक के बाद योंग की बर्थडे आ रही है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मैं उसको क्या गिफ्ट दूँ, क्या तुम मुझे कुछ गाइड कर सकते हो। मैनेजर उनसे पूछता है कि वो सब रहने दे, पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप माइंड मत कीजिएगा, क्या आप योंग को पसंद करते हैं। जिस्वी इस पर कुछ कंफ्यूज हो गया और कहने लगा कि लो भला मैं उसको क्यों पसंद करूंगा। तभी मैनेजर पूछता है क्या वो आपको पसंद करती है। जिस्वी मैनेजर को बताता है कि वो मुझे पसंद करती है या नहीं इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तभी मैनेजर कहता है कि आप फिलहाल गिफ्ट को छोड़ें, आप उसे पसंद करते हैं और वो आपको पसंद करती है या नहीं कुछ नहीं मालूम, इसलिए बेहतर होगा कि सबसे पहले आप उससे अपनी फीलिंग्स शेयर करें। नेक्स्ट सीन में जिस्वी मूवी देख रहा था, तभी योंग उसके पास आती है। जिस्वी उससे पूछता है कि क्या तुम इस वीकेंड पर फ्री हो। योंग उससे कहने लगी कि तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तभी जिस्वी उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि हम बाहर चले जाएं, बल्कि ऐसा करता है किसी बीच पर चले जाते हैं। योंग उसे कहने लगी कि कंपनी की वजह से पिछले कई दिनों से जितने चक्कर मेरे बीच पे लगे हैं उसकी वजह से तो मेरा बीच से दिल ही भर गया है। जिस्वी उसे कहता है कि मैं देख रहा हूँ तुम्हारी रूटीन काफी टफ है और ये सब मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, तुम्हारी जिंदगी आसान नहीं ये बात मैं समझ चुका हूँ। योंग उसे कहने लगे कि अगर तुमने मेरी सिचुएशन को एक्नॉलेज कर ही लिया है तो इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरी सैलरी इंक्रीज कर दो। जिस्वी कहता है कि ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। इससे ज्यादा योंग को क्या चाहिए था, सैलरी में इंक्रीमेंट का सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई। तभी जिस्वी उसे कहता है कि देखो तुम मेरी भी केयर करती हो, ऊपर से जुटैंग की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर है। जिस्वी उसे समझाने लगा कि देखो मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तुम्हारे ऊपर है, ऊपर से तुम्हें जुटैंग का भी ख्याल रखना पड़ता है, कभी कभी हमें अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। जब हम किसी अच्छी जगह जाकर क्वालिटी टाइम गुजारते हैं, कुछ फ्रेश एयर लेते हैं तो इससे हमारी पूरी बॉडी को रिफ्रेशमेंट मिलती है और हमारे माइंड को भी पीस मिलता है। जिस्वी की इस बातों से योंग अच्छी तरह कन्विंस हो चुकी थी। तभी कहने लगे कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं जरूर तुम्हारे साथ चलूंगी। योंग वहां से जाने ही लगी थी कि थंडर की आवाज सुनते ही वो अपने कानों पे हाथ रख लेती है। तभी जिस्वी उसको रिलैक्स करता है और उसे पूछता है कि तुम्हें अचानक से क्या हो जाता है। योंग उसे बताने लगी कि मुझे थंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। जिस्वी इसकी वजह पूछता है तो योंग उसे बताने लगी एक्चुअली थंडर स्टॉर्म की वजह से मेरे पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, उसके बाद से मुझे थंडर से बहुत ज्यादा डर लगता है। तुम जानते हो मैं 7 साल की थी जब मेरे पेरेंट्स एक बिजनेस ट्रिप पे गए थे, वो कल आना चाह रहे थे लेकिन मैंने उन्हें कॉल करके बहुत ज्यादा परेशान कर दिया, मैं उन्हें बहुत मिस कर रही थी, मैं बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर उनसे कह रही थी कि वापस आ जाओ, मेरी वजह से उन्हें उसी दिन वापस आना पड़ा, थंडर स्टॉर्म की वजह से उनका प्लान क्रैश कर गया, अगर मैं उन्हें इस सब के लिए फोर्स ना करती तो यकीनन वो अगले दिन आते और आज जिंदा होते, मेरी जिद की वजह से उनकी जान चली गई, देखो आज तक वो लौट कर नहीं आ सके। क्या तुम जानते हो उसके बाद पूरे महीने मुझे पूरा घर बिल्कुल व्हाइट और सुनसान लगने लगा, जुटैंग को इस सब में संभालना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, उस दिन से आज तक इस बात ने मेरा पीछा नहीं छोड़ा कि अगर मैं उनको फोर्स ना करती तो आज वो जिंदा होते। इतने साल बीत चुके हैं, इस साल मैं 22 साल की हो जाऊंगी, लेकिन जिस भी रात थंडर की आवाज आती है मैं पूरी रात सो नहीं पाती। थंडर ने पूरी रात योंग का पीछा नहीं छोड़ा, जब सुबह उसकी आंख खुली तो जिस भी उसके करीब मौजूद था। योंग अभी ठीक से खुश भी नहीं हुई थी कि जुटैंग नॉक करता है और कहता
कहता है कि जल्दी से दरवाजा खोलो, मुझे कोई काम है तुमसे। नॉक की आवाज सुनकर योंग हड़बड़ा गई और पूछने लगी कि क्या चाहिए तुम्हें जो सुबह सुबह तुम दरवाजा पीट रहे हो। जुटैंग उससे पूछता है क्या मैं अंदर आ जाऊँ, तभी योंग कहती है कि नहीं तुम बिल्कुल भी अंदर मत आना, जो चाहिए मुझे बताओ। जुटैंग उसे कहने लगा मुझे लगता है मेरा चार्जर तुम्हारे रूम में रह गया है, तभी योंग कहती है कि सब्र करो मैं तुम्हें अभी तुम्हारा चार्जर देती हूँ। इतने में वो जिस्वी को क्लोजेट में छुपा चुकी थी, जब उसने दरवाजा खोला तो जुटैंग अंदर आने की जिद करता है और अंदर आ जाता है। जुटैंग योंग से जिस्वी के बारे में पूछने लगा, तभी योंग उसको बताती है कि वो आज सुबह जल्दी ऑफिस चला गया है, तुम यहाँ से बाहर निकलो। जुटैंग उसकी क्लोजेट की तरफ बढ़ने लगा और उसे कहता है कि मुझे यहाँ पर अपना हेड ढूंढना है, लेकिन योंग उसको मना करती है और कहती है कि इसकी हालत बहुत खराब है, तुम इसे मत खोलो। जुटैंग उसे कहता है तुम तो अपना क्लोजेट मुझसे ऐसे बचा रही हो जैसे इसमें कोई बम पड़ा हो। तभी योंग कहती है कि मुझे परेशान मत करो, बाहर जाओ यहाँ से। वो उसको धक्के देकर बाहर निकालती है। जुटैंग के जाने के बाद योंग ने अपने क्लोजेट को खोलकर जिस्वी को बाहर निकाला और उसे पूछने लगी कि क्या तुम ठीक हो। जिस्वी कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिस्वी योंग से कहता है कि कल 3 बजे बीच पर पहुंच जाना। योंग उसे कहती है कि ठीक है मैं पहुंच जाऊंगी। जाने से पहले जिस्वी उससे कहता है कि तुम व्हाइट कलर में बहुत प्यारी लगती हो। जिस्वी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर योंग काफी ज्यादा खुश हो गई। अगले सीन में जिस्वी बीच पे खड़ा योंग का वेट कर रहा था, तभी वो देखता है कि योंग के साथ साथ जुटैंग भी वहां पर पहुंच चुका था। जिस्वी योंग से पूछता है कि ये क्या तुम जुटैंग को अपने साथ क्यों लाई हो। तभी योंग उसे बताती है कि तुमने ही कहा था कि चेंज हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है। जुटैंग बेचारा सारा वीक स्कूल जाता है, उसमें पढ़ाई का भी इतना प्रेशर होता है, इसलिए मुझे लगा कि उसको भी मेरे साथ चलना चाहिए। जुटैंग उन दोनों के पास आकर कहने लगा कि भाईजान देखे मैं आपके लिए वाटर गन लाया हूँ, आज हम बहुत फन करेंगे। जिस्वी उसको टोकता है और कहता है कि मुझे भाईजान मत बुलाया करो। तभी जुटैंग कहता है कि मैं आपको क्या बुलाऊं, क्या मैं आपको भैया बुला सकता हूँ। जिस्वी जुटैंग से कहता है कि तुम जरा वहां जाओ, मुझे तुम्हारी सिस्टर से कुछ बात करनी है। जिस पर जुटैंग उसे कहता है कि हम दोनों एक ही फैमिली है और हम दोनों को एक साथ ही रहना चाहिए। तभी जुटैंग अपने साथ योंग को लेकर वहां से चला जाता है और वो दोनों काफी फन कर रहे थे। जल्द ही जिस्वी भी उनको ज्वाइन कर लेता है और वो तीनों अच्छा खासा इंजॉय कर रहे थे। लेकिन कुछ देर बाद जिस्वी कुछ रेस्ट के लिए चेयर पर बैठ चुका था, तभी मैनेजर उसको मैसेज करके बताता है कि मैंने आपके लिए एक बहुत जबरदस्त गिफ्ट अरेंज कर दिया है, आप टेंशन मत लें। चेयर पर बैठे बैठे ही जिस्वी की आंख लग चुकी थी। तभी योंग उसके पास आई और उसे कहने लगी कि वहां दूर कोई सैंड टावर बना रहा है, चलो हम भी उसको इंजॉय करते हैं। जिस्वी क्या तुम सो रहे हो। योंग समझ चुकी थी कि जिस्वी सो चुका है, तभी वो उसको नोज पे टैप करती है जिससे जिस्वी की आंख खुल चुकी थी। जिस्वी योंग से पूछता है कि क्या तुम लोगों ने इंजॉयमेंट कर ली। जिस पर योंग उसे कहती है कि तुम अच्छे इंसान हो, हमें यहाँ बुलाकर खुद सो गए। जिस्वी उससे जुटैंग के बारे में पूछता है, जिस पर योंग ने उसे बताया कि वो कन्वीनियंस स्टोर से कुछ आइस लेने के लिए गया है। जिस्वी उसे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। जिस्वी योंग को अपने साथ थोड़ी दूर लेकर जाकर एक आइलैंड दिखाता है और उसे कहता है कि क्या तुम उसे देख सकती हो, मैंने अपना बचपन वहां पर गुजारा है और क्या तुम जानती हो कि मैं और मेरे डैड वहां पर फिशिंग भी किया करते थे। इसके साथ ही जिस्वी का मूड काफी ऑफ हो गया। तभी योंग उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारा जब भी फिशिंग का दिल करे मुझे बता दिया करो, हम दोनों साथ चलेंगे। इतने में वहां पर थंडर की आवाज गूंजने लगी। जिस्वी योंग के कानों पे हाथ रखे उसे संभालने की कोशिश कर रहा था। योंग काफी नर्वस हो चुकी थी। तभी वो जिस्वी से कहती है कि तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो, ये सिर्फ एरोप्लेन की आवाज है, थंडर नहीं है। योंग की इस बात पर जिस्वी कुछ एम्बेरस हो गया। तभी योंग उसे कहती है कि मुझे कुछ कुछ समझ आ रही है कि तुम मेरे साथ अकेले में टाइम बिताना चाहते थे। जिस्वी उसे कहने लगा कि अब तुम्हें पता चला मैं तुम्हें यहाँ पर क्यों बुला रहा था। जिस पर योंग उसे कहती है कि तुम मुझे सीधे सीधे बोल देते, बात को इतने घुमाने की क्या जरूरत थी। इतने में वहां पर जुटैंग आ चुका था जो पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। योंग उसे बताने लगी कि देखो जिस्वी की आंखों में कुछ रेत चली गई है, मैं उसे ही निकाल रही थी। जुटैंग जिस्वी से पूछता है कि क्या तुम मेरी सिस्टर को पसंद करते हो। योंग के इशारे पर जिस्वी उसे कहता है कि नहीं मैं इसे पसंद नहीं करता। जुटैंग कहता है कि वो मर्द भी क्या मर्द है जो अपनी पसंदगी का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम मेरी सिस्टर के साथ अच्छे लगते हो, तुम दोनों का कपल सूट करता है। जिस्वी उसे पूछता है कि हम दोनों को लेकर तुम्हें कोई इश्यू तो नहीं। जिस पर जुटैंग बताता है कि नहीं मुझे कोई इशू नहीं है। इस बात पर वो दोनों काफी खुश हो गए। मूवी आगे बढ़ी तो योंग अपने रूम में खड़ी थी, उसने व्हाइट ड्रेस पहना था जो जिस्वी ने ही उसे गिफ्ट किया था। योंग बहुत ज्यादा खुश थी और अपने साथ बहुत ज्यादा बातें कर रही थी। तभी जिस्वी उसे कॉल करता है और उसे कहता है कि मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें आज अपने साथ नहीं लेकर जा सकता, एक्चुअली आज मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। जिस्वी योंग से पूछने लगा कि क्या तुम नेक्स्ट संडे की शाम को फ्री हो। योंग सोचने लगी कि नेक्स्ट संडे को तो मेरी बर्थडे है। तभी वो जिस्वी से पूछती है कि आखिर चल क्या रहा है, तुम क्या प्लान कर रहे हो। योंग जिस्वी को बताती है कि हाँ मैं फ्री हूँ, क्या तुम मुझे दोबारा किसी बीच पर लेकर जाओगे। तभी जिस्वी उसको बताता है कि नहीं, इस बार हम एक बीच रेस्टोरेंट पर जाने वाले हैं। जिस्वी योंग से उस ड्रेस के बारे में पूछता है तो योंग उसको बताती है कि वो ड्रेस मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरी चॉइस को तुमने इतने अच्छे से कैसे जान लिया। योंग तो समझो जैसे सातवें आसमान पे उड़ रही थी, साथ ही वो कैलेंडर पे अपनी सेकंड डेट को मार्क करने लगी। नेक्स्ट सीन में योंग एक रेस्टोरेंट में
मौजूद थी। वो शीशा देखकर अपनी खूबसूरती की तसल्ली करती है और फिर जिस्वी का वेट करने लगी। कुछ टाइम गुजरने के बावजूद भी जब जिस्वी वहाँ पर ना आया तो योंग परेशान होने लगी। लेकिन ये क्या, जिस्वी की बजाय वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट स्वी मौजूद थे। योंग स्वी से वहाँ आने का रीजन पूछती है तो स्वी उसको बताता है कि मुझे यहाँ पर जिस्वी ने बुलाया। ऐसे लगता है जैसे वो हम दोनों से कोई बात करना चाह रहा है। तभी योंग को जिस्वी की कॉल आती है जो उसको बताता है कि कंपनी में कुछ अर्जेंसी आ गई है जिसकी वजह से मैं वहाँ नहीं आ सकता, तुम कुछ टाइम मेरा वेट करो। योंग जिस्वी से पूछती है कि क्या सब ठीक है, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की जरूरत है तो मैं भी वहाँ आ जाती हूँ। लेकिन जिस्वी उसको मना करता है। जिस्वी योंग से कहने लगा कि मेरा कॉम्प्लेक्शन कुछ खास नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कुछ ज्यादा पसंद नहीं करती। तभी योंग उसे कहती है कि तुम यहाँ मत आओ, जुटैंग ने कॉल करके मुझे घर बुलाया है इसलिए मैं अपने घर जा रही हूँ। योंग स्वी से पूछने लगी कि जिस्वी ने कहा है कि कंपनी में कोई जरूरी काम आ गया है, यकीनन वो आज बहुत बिजी होंगे। जिसपे जिस्वी उसको बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे लगता है कि विंच की फ्लाइट का टाइम हो गया है इसलिए जिस्वी उसको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट गया होगा। योंग पूछने लगी कि विंच कौन विंच। तभी स्वी कहता है कि क्या जिस्वी ने तुम्हें विंच के बारे में नहीं बताया। जिस्वी और विंच बचपन के फ्रेंड्स हैं, वो दोनों बचपन से ही एक दूसरे के बहुत ज्यादा क्लोज थे, इवन हमारी फैमिलीज ने उनकी शादी का भी सोचा हुआ था। योंग सोचने लगी कि देखो, अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को रिसीव करने के लिए इसने मेरे साथ किया हुआ प्रॉमिस ही तोड़ दिया। स्वी को कॉल आती है तो वो योंग से एक्सक्यूज करके बाहर निकल गया। कॉल अटेंड करने के बाद वो अपने खास बंदे से कह रहा था कि मुझे पता चल गया है इन दोनों का रिलेशनशिप कोई आम रिलेशनशिप नहीं, तुम्हें इन दोनों पर कड़ी नजर रखनी होगी। और हाँ, मैं तुम्हें बता दूं, सीक्रेट एजेंसी की तरफ से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि तुम पर नजर रखी जा रही है, तुम्हारी कुछ पिक्चर्स भी ली गई है इसलिए सावधान रहो। अंदर जाने के बाद स्वी योंग से कहने लगा कि मुझे जिस्वी की कॉल आई, उसने मुझे बताया कि वो यहाँ पर नहीं आ सकता, चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूँ। इस पर योंग उसके साथ चली गई। जिस्वी रेस्टोरेंट पहुंचा तो वेटर ने उसको बताया कि यहाँ पर एक लड़की आई थी, उसने कुछ देर यहाँ पर वेट किया और फिर वो मिस्टर स्वी के साथ यहाँ से चली गई। नेक्स्ट सीन में योंग अपने रूम में मौजूद थी, तभी उसको जिस्वी का मैसेज आता है जो उससे पूछ रहा था कि तुमने वहाँ पर मेरा वेट क्यों नहीं किया। जिस पर योंग उसे रिप्लाई करती है कि तुम वहाँ पर क्यों नहीं आए, तुम मुझे छोड़कर विंच को रिसीव करने चले गए, विंच इस वक्त तुम्हारे साथ मौजूद है ना, बल्कि तुमने आज का सारा दिन ही विंच के साथ गुजार लिया। जिस्वी को जैसे सारी गेम समझ में आने लगी। तभी वो स्वी को कॉल करके कहने लगा कि मुझे तुम्हारे साथ कुछ प्रोजेक्ट्स को डिस्कस करना है, हेडक्वार्टर्स में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तभी स्वी उसको कहता है कि ठीक है, कल आ जाना। जिस्वी कहता है कि कल क्यों, आज रात ही क्यों नहीं। तभी स्वी उसको कहता है कि मुझे लगता है इतनी कोई इमरजेंसी नहीं जिसको हम आज रात ही डिस्कस कर लें, कल तक वेट करो। मूवी आगे बढ़ी तो जिस्वी अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी विंच उसके करीब आई और उससे कहने लगी मुझे लगता है कि हम दोनों को मजीद क्लोज होना चाहिए। तभी योंग जो डायरेक्टर्स के साथ अंदर आ रही थी उनको देख लेती है। डायरेक्टर्स जिस्वी और विंच के काम की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों एक साथ बहुत अच्छा काम करते हो। ये सब सुनकर योंग को काफी बुरा लगता है और वो बहुत ज्यादा जेलस हो चुकी थी। मूवी आगे बढ़ती है तो योंग लंच ब्रेक पर लंच लेने जा रही थी। तभी जिस्वी उसका रास्ता रोकता है। योंग उससे कहने लगी कि इस वक्त मैं लंच ब्रेक में हूँ, अगर काम को लेकर आपको मुझसे कुछ भी बात करनी है तो कुछ देर बात कीजिएगा। जिस्वी उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई प्रोफेशनल बात डिस्कस नहीं करनी। तभी योंग उसे पूछने लगी कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हो। जिस्वी पूछने लगा कि क्या विंच को मेरे साथ देखकर तुम्हें जेलसी फील हो रही है। उसे कहने लगी कि ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप मेरे बॉस हैं, मैं आपको देखकर जेलस क्यों होंगी। तभी जिस्वी उससे पूछने लगा ठीक है, अगर ऐसा ही है तो हम दोनों को देखकर तुम इतना गमजदा क्यों हो गई। इस पर योंग उसको एक्सप्लेन करती है कि हाँ, मैं जेलस हुई थी लेकिन मैम विंच की एबिलिटीज से, क्योंकि मैं भी इतनी ही एबल बनना चाहती हूँ, आइंदा मेरे किसी भी एक्सप्रेशन का कोई गलत मतलब मत लीजिएगा। ये बोलकर वो वहाँ से चली गई। योंग का ये बिहेवियर देखकर जिस्वी काफी परेशान हो चुका था। जब उसको कोई सोल्यूशन नजर नहीं आया तो उसने जुटैंग को कॉल की और उसको बताया कि तुम्हारी बहन मुझसे काफी नाराज है, प्लीज मुझे कोई सोल्यूशन दो। जिस पर जुटैंग उससे कहने लगा कि ठीक है, अगर मेरी बहन को लेकर तुम सिंसियर हो तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। रात को जब योंग अपने रूम में पहुंची तो जुटैंग ने उसको बर्थडे विश की और उसे कहने लगा कि लास्ट वीक आपने अपनी बर्थडे बिल्कुल भी अच्छे से सेलिब्रेट नहीं की थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं एक दफा फिर आपके लिए अरेंज कर दूं। जिस्वी जो साथ बैठा वायलिन बजा रहा था बिल्कुल खामोशी इख्तियार किए हुए था, जबकि योंग भी जिस्वी को इग्नोर करती है। तभी जुटैंग उससे कहता है कि देखिए, मैं जानता था कि आप बहुत परेशान हैं इसलिए मैं आपका मूड अच्छा करना चाहता था। योंग जिस्वी से कहने लगी कि तुम मेरे बहुत अच्छे भाई हो, शुरू से लेकर अब तक तुमने मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं किया। तभी जुटैंग उसे बताने लगा कि ठीक है कि इसमें मेरा आइडिया भी था, लेकिन असल मेहनत किसी और की है। योंग उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर कर देती है। तभी जुटैंग उससे कहता है कि कोई विश मांगो। योंग अपनी आईज क्लोज करती है। तभी जुटैंग वहाँ से चला जाता है, जिस पर जिस्वी उसके पास आकर बैठ गया। अपनी आंखें खोलने के बाद जब योंग जिस्वी को अपने पास देखती है तो वो जुटैंग के बारे में पूछती है, जिस पर जिस्वी ने उसको बताया कि जुटैंग किचन में गया है। योंग कहने लगी कि मुझे भी उसकी हेल्प करनी होगी, लेकिन उसके उठने से पहले ही जिस्वी उसका हाथ पकड़कर उसको
उठा देता है। जिसमें ने उसको बर्थडे विश की, तभी योंग कहती है कि तुम्हें याद है, मुझे तो लगा तुम भूल ही चुके हो। जिस पर जिसमें उसको एक्सप्लेन करता है कि उस रात विंच ऑफिस आ गई थी और हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि किसी तरह हम उस प्रोजेक्ट को बचा सकें, इसलिए मुझे वहां पर मजबूरन रुकना पड़ा, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होगा। योंग उसे कहने लगी कि तुम्हें मुझे एक्सप्लेनेशंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं। जिस पर जिसवी कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हें एक्सप्लेनेशंस दूंगा क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। ये बोलने के बाद उसको रियलाइज हुआ कि उसने क्या बात कह दी है। तभी वो योंग से पूछता है कि कल रात क्या तुम फारिग हो। योंग इस क्वेश्चन की रीजन पूछती है, तभी जिसवी उसको बताता है कि मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूं। नेक्स्ट सीन में जिसवी योंग के साथ मीटिंग रूम में मौजूद था, तभी उसको विंच की कॉल आती है। योंग की सेटिस्फेक्शन के लिए जिसवी ने कॉल अटेंड करके फोन स्पीकर पर लगा दिया। विंच उसे कह रही थी कि मेरे घर पहुंचो। जिसवी उससे वजह पूछता है, तभी विंच उसे कहने लगी कि मैंने तुम्हारे लिए डिनर प्रिपेयर किया है। जिसवी योंग से कहता है कि मेरे साथ तुम भी जाओगी। योंग मना करती है, लेकिन जिसवी उससे कहने लगा कि मैं चाहता हूँ जो भी हो तुम्हारी आंखों के सामने हो। कुछ ही देर में जिसवी योंग के साथ अपने घर पहुंच चुका था, जहां पर विंच भी पहले से मौजूद थी। जिसवी योंग को खाना सर्व कर रहा था, जिससे विंच को काफी गुस्सा आता है और वो कहने लगी कि मुझे याद है मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया था। इस पर जिसवी उससे कहने लगा, जहां तक मुझे याद है मैंने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया, तो तुम मेरे घर पे क्या कर रही हो। विंच जिसवी को वाइन का एक ग्लास देती है और कहती है, क्या तुम्हें याद है जब मैं फ्रांस में स्टडीज कर रही थी और तुम फ्रांस आए थे, तब मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद किया करती थी। तब हमने एक बॉटल पी थी वाइन की, वो बॉटल मुझे आज तक दोबारा नहीं मिल सकी, लेकिन आज बहुत ढूंढने के बाद मुझे उसकी सिर्फ एक ही बॉटल मिली है। जिस पर जिसवी उससे कहने लगा कि अनफॉर्चुनेटली उस वाइन का तो मुझे टेस्ट तक भूल चुका है और ना ही मुझे उसका नाम याद है। विंच उसे कहने लगी कि तुम झूठ बोल रहे हो, वो तुम्हारी फेवरेट वाइन थी। मैंने डिनर में जो डिशेस बनाई है ये सारी तुम्हारी फेवरेट थी। अगर तुम कहो कि ये तुम्हें अच्छी नहीं लगी तो तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर योंग उससे कहने लगी कि मैम विंच, आपको इस बात को समझना होगा कि समय के साथ सभी लोगों की चॉइसेस बदल जाती हैं। पहले मुझे मशरूम्स बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन अब मैं खाने में सबसे ज्यादा रिब्स प्रेफर करती हूँ। विंच उसे कहती है, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जिसवी को कुछ ज्यादा ही जानती हो। तभी योंग उसे कहने लगी कि मैं जिसवी की सेक्रेटरी हूँ, उनकी नेचर को जानना मेरी जॉब का हिस्सा है। ये सब देखने के बाद विंच को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। जब उसको और कुछ न सूझी तो वो उठकर जिसवी के पास आ गई। विंच जिसवी का चेहरा साफ करते हुए कहने लगी कि देखो, तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही खाना खाते हो जैसे कुछ साल पहले खाते थे। विंच को इस तरह से जिसवी के करीब देखकर योंग बहुत ज्यादा नर्वस हो गई और वो सूप अपने ऊपर ही गिरा देती है। तभी जिसवी अपना नैपकिन उठाकर योंग को देने लगा। इतने में जिसवी योंग को वहां से चलने का कहता है। नेक्स्ट सीन में योंग अपनी शर्ट चेंज करके नीचे आ रही थी, तभी वो जिसवी और विंच की कॉन्वर्सेशन सुन लेती है, जहां पर विंच जिसवी से कह रही थी कि मैं जानती हूं तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है और तुम उस लड़की से झूठ बोल रहे हो, लेकिन तुम आखिर कब तक इस बात को छुपाओगे, और ये भी सोचो जब उस लड़की को पता चलेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा। जिस पर जिसवी उसे कहता है कि मैं जो भी करूं इससे तुम्हें कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए, तुम अपने काम से काम रखा करो, मेरे मामलात में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। ये सुनने के बाद योंग को जिसवी के वो वादे याद आए, जहां पर वो कह रहा था कि मैं कभी भी तुमसे आइंदा झूठ नहीं बोलूंगा। नेक्स्ट सीन में जिसवी अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर रहा था कि योंग के मूड को क्या हुआ। कल रात उसने मेरे घर पे डिनर किया, पहले उसका मूड बिल्कुल ठीक था, लेकिन पता नहीं अचानक से उसके मूड को क्या हो गया। मैनेजर उससे पूछता है कि कहीं आपने उसे कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो उसको बुरा लगे, या कहीं विंच ने उसे कोई बात तो नहीं बता दी। जिसवी उसे कहता है कि पता नहीं, पहले तो उसका मूड बिल्कुल ठीक था, अचानक से क्या हो गया जो उसका मूड इतना खराब हो चुका था। इतने में योंग वहां पर कॉफी लेकर आ जाती है, जिसको पीने के बाद जिसवी कहता है कि तुमने इसमें क्या मिलाया, मेरी आवाज को क्या हो गया है। उसकी इस बात पर योंग हंसने लगी। नेक्स्ट सीन में जिसवी अपने मैनेजर के साथ मौजूद था, जो मैनेजर से पूछ रहा था कि तुम्हें यकीन है कि योंग यहां पर नहीं है। मैनेजर उसे कहता है कि नहीं, योंग यहां पर नहीं है, मैंने उसे किसी काम से भेजा है। जिसवी मैनेजर से कहने लगा कि प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे इस बात को एनालाइज करना होगा कि योंग मुझसे क्यों नाराज है, उसका बिहेवियर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैनेजर उसे कहता है कि आपने मुझे बताया कि कल रात योंग का बिहेवियर पहले ठीक था, लेकिन कुछ ही टाइम में उसका मूड ऑफ हो गया, आप याद करके बताएं कि इस बीच में ऐसा क्या हुआ होगा। जिस पर जिसवी उसे कहने लगा कि कुछ भी नहीं हुआ था, उसकी शर्ट गंदी हो गई, मैंने उसको चेंज करने के लिए अपनी शर्ट दी, लेकिन जल्द ही उसको अपनी और विंच की होने वाली कॉन्वर्सेशन याद आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि योंग ने हमारी सारी बातें सुन ली थी। कुछ ही देर में योंग जिसवी के ऑफिस में उसको फाइल देने आई, तभी जिसवी उसे कहता है कि तुम यहां पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। योंग पूछने लगी कि तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है, तभी जिसवी उसे कहता है कि देखो, तसल्ली रखो और आराम से मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। जिसवी अपनी बात शुरू ही करने वाला था, तभी योंग को कॉल आती है। जुटेंग के टीचर उसको बता रहे थे कि जुटेंग ने कल एकेडमी की क्लासेस अटेंड नहीं की। ये सुनने के बाद योंग काफी परेशान हो गई और वो कहने लगी कि जुटेंग ऐसा कैसे कर सकता है, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, मैं उसकी अच्छी खासी क्लास लूंगी। कल उसने मुझे
मुझसे कहा था कि वो अपनी एकेडमी जा रहा है, पता नहीं वो कहाँ गया, लेकिन आप टेंशन मत ले, मैं इस बात का सुराग लगा लूंगी। वो मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोल सकता। जो भी मुझसे झूठ बोलने की कोशिश करेगा मैं उसकी गर्दन मरोड़ दूंगी। काटने के बाद योंग जिस्वी से पूछती है कि आपको मुझसे कोई बात करना थी। जी बोले, मैं सुन रही हूँ। लेकिन जिस्वी कहता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं कहना था। नेक्स्ट सीन में मैनेजर मिस्टर जिस्वी को बता रहा था कि हमने असिस्टेंट को पकड़ा है, वो मिस्टर स्वी के लिए काम कर रही है। इस बात के हमारे पास सबूत भी मौजूद है, लेकिन वो अपना जुर्म मानने के लिए तैयार नहीं। तभी जिस्वी कहता है कि उसे कुछ मत कहो, उसे अपना काम करने दो, हम अपने दुश्मनों को अलर्ट नहीं कर सकते, बस उन पे नजर रखो। मैनेजर के जाने के बाद जिस्वी अपने शोल्डर्स को प्रेस कर रहा था। इतने में वहाँ पर योंग आ गई और वो पूछने लगी कि क्या आपके शोल्डर्स में पेन हो रहा है। आप परेशान ना हो, अक्सर ज्यादा बैठने की वजह से इस तरह से हो जाता है। आप बैठे, मैं आपका मसाज कर देती हूँ। जिस्वी कहता है कि नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन योंग तो जैसे अड़ ही गई थी, कहने लगी कि नहीं, अपने बॉस को सर्व करना मेरी ड्यूटी है। योंग एक ग्लास उठाती है और उसी के साथ लाइटर जलाती है। तभी जिस्वी कहता है कि क्या तुम मेरे साथ दोबारा कपिंग करने वाली हो, प्लीज ऐसे मत करो। फिर योंग कहने लगे कि तुमने दोबारा क्यों कहा, पिछली बार जो भी हुआ वो सब तुम भूल चुके हो क्योंकि तुम्हारी याददाश्त नहीं है, लेकिन तुमने मुझे झूठ बोला था। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ वाइस प्रेसिडेंट स्वी को भी असिस्टेंट की तरफ से गुड न्यूज मिल रही थी, जो उन्हें बता रही थी कि आप टेंशन मत लें, सारी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है। स्वी उनको एक दफा फिर बताता है कि सीक्रेट एजेंसी के थ्रू मुझे पता चला है कि तुम पे नजर रखी जा रही है, तुम्हें सावधान रहना होगा। और हाँ, विंच को मैंने खास अपने मकसद के लिए वापस चाइना बुलाया है, उसका अच्छा इस्तेमाल करो, जहाँ पर भी मौका मिले उसको जिस्वी के करीब लाओ। अभी आगे बढ़ी तो योंग अपने घर जा रही थी। तभी जिस्वी उसका पीछा करते हुए उसे कहता है कि रुको, मेरी बात सुनो, मेरी सिचुएशन समझने की कोशिश करो। जबकि योंग का मूड काफी खराब था, वो कहने लगी कि मैं क्या समझूं, तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम्हारी मेमोरी वापस आ चुकी है, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझसे कभी भी झूठ नहीं बोलोगे, लेकिन देखो तुमने एक दफा फिर मुझसे झूठ बोला। तुमने मुझे कभी भी विंच के बारे में नहीं बताया, जबकि वो शुरू से हमारे बीच में मौजूद थी। तुम और विंच बचपन के दोस्त हो, तुम दोनों अच्छे बिजनेस पार्टनर्स हो, तुम दोनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया, और मुझे देखो, मैं पागलों की तरह बेवकूफ बनती रही। क्या हमारे बीच में जो सब था वो भी झूठ था? जिस्वी उसे कहता है कि देखो, हमारे बीच में जो कुछ भी था वो बिल्कुल सच्चा था, और हाँ, मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला, मैं सोच ही रहा था कि मैं तुम्हें सारी बातें बता दूं। विंच मेरी बचपन की दोस्त है, इससे ज्यादा हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। और हाँ, मैंने तुमसे नहीं पूछा कि तुम्हारी बर्थडे वाली रात तुम स्वी के साथ क्यों चली गई। योंग उसे कहने लगी कि मैं इतनी ऑर्डिनरी नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझने लगे हो। तुम्हारे लिए घंटों लगाकर मैं तैयार हुई, वहाँ पर मैंने कितना इंतजार किया, और तुम विंच के साथ बिजी थे। क्या तुमने कभी मुझे समझने की कोशिश की भी है या नहीं? ये कहने के बाद वो सीधे अपने घर चली गई। कुछ ही लम्हे बाद योंग वापस आते हुए जिस्वी को उसका बैग देकर कहती है कि मैंने तुम्हारी सारी चीजें पैक कर दी हैं, यहाँ से निकलो और आइंदा मुझे नजर मत आना। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे भाई के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से रह रही थी, लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा था कि एक दफा तुम्हारी याददाश्त वापस आ जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा। जिस्वी योंग से कहता है कि बाकी सब ठीक है, लेकिन मेरी गाड़ी खराब हो चुकी है, मैं घर कैसे जाऊंगा, प्लीज मुझे आज रात यहाँ पर रह लेने दो। पर योंग उससे कहने लगी कि ठीक है, अगर तुम्हारी कार खराब है तो किसी टैक्सी में चले जाओ, लेकिन मेरी जान छोड़ो। जिस पर जिस्वी उससे कहता है कि मैं टैक्सी में नहीं जा सकता, मैं किसी के साथ भी गाड़ी शेयर नहीं कर सकता। योंग उससे कहने लगी कि अगर गाड़ी शेयर नहीं कर सकते तो किसी बाइक पर चले जाओ। तभी जिस्वी कहता है कि प्लीज यार, मुझ पे तरस खा रहे हो, मेरा घर यहाँ से 30 किलोमीटर के फासले पर है, मैं बाइक पर कैसे जा सकता हूँ। तभी योंग गुस्से में उसको एक छड़ी देते हुए कहती है कि अगर ऐसा ही है तो कोई जादू कर लो, वैसे भी तुम्हें विचेस का बहुत शौक था। पीछे खड़ा जुटैंग ये सारी बातें सुन रहा था। योंग की जैसे ही उस पे नजर पड़ी, उससे पूछने लगी कि तुम क्या सुन रहे हो, तुम्हारे साथ क्लासेस स्किप करने का हिसाब भी अभी बाकी है मेरा। जिस्वी अपने ग्रैंडपा को कॉल करते हुए उनसे सीक्रेट एजेंसी के बारे में पूछना चाह रहा था, लेकिन ग्रैंडपा तो पहले ही तपे हुए थे। ग्रैंडपा जिस्वी से कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई योंग बेटी को परेशान करने की। जिस पर जिस्वी उनसे पूछता है कि आप योंग को बेटी क्यों बुला रहे हैं। ग्रैंडपा कहने लगे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, योंग मेरे बचपन के फ्रेंड लिन की ग्रैंडडॉटर है। जब कंपनी से मुझे तुम्हारे और उसके अफेयर के बारे में पता चला तो मैंने उसके बैकग्राउंड की इन्वेस्टिगेशन करवाई, जिसके थ्रू मुझे ये सब पता चला, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सका क्योंकि तुम कभी भी फ्री नहीं होते। अगर वो मेरे फ्रेंड की ग्रैंडडॉटर ना होती तो मैं कभी भी उसको तुम्हारे करीब ना आने देता, और तुमने भी मुझे बहुत परेशान किया हुआ था। तुम्हारे पास्ट का रिकॉर्ड बहुत खराब है, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम संभल चुके हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि तुम योंग को परेशान करने के बारे में सोचना भी मत। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमें किसी भी तरह से उसको खुश रखना होता है। मैं तुम्हें हमारे खानदान की नाक कटवाने की इजाज़त बिल्कुल भी
नहीं दूंगा। इस पर जिसवी उनसे कहता है कि आप परेशान मत हो, ये मेरा मामला है और मैं इसको अच्छे से हैंडल करूंगा। ठीक है, अगले सीन में योंग अपने ऑफिस में मौजूद थी, तभी उसको जुटैंग के स्कूल से कॉल आई और उन्हें बताया गया कि जुटैंग ने अपनी क्लास में लड़ाई की है। जुटैंग ने अपने क्लास में लड़कों के साथ अच्छी खासी मारपीट की है, जिससे एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है, आपको जल्द अज जल्द स्कूल पहुँचना होगा। योंग जुटैंग के टीचर से कहती है कि आप तो जानते हैं जुटैंग को, उसका बिहेवियर कितना अच्छा है, वो बहुत अच्छी पर्सनैलिटी का मालिक है और उसके ग्रेड्स भी हमेशा बहुत अच्छे आते हैं। उसे कहने लगी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज जो जुटैंग ने किया है वो हमारी बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है। मैं आपको कुछ पिक्चर्स भेजता हूँ, आप खुद ही देख लें कि उसने क्या किया है। की लड़ाई की कुछ पिक सेंड की, तभी योंग कहती है कि ठीक है मैं स्कूल पहुंचती हूँ। जुटैंग को लेकर ठीक से परेशान भी नहीं हुई थी कि उसके कानों में अपने कुलीग्स की आवाज़ पड़ी, जो डिस्कस कर रहे थे कि देखो जरा शक्ल से कितनी मासूम लगती है और कारनामे देखो इसके। दूसरा कुलीग कह रहा था कि कभी एक भाई और कभी दूसरा भाई, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, वाकई हमें किसी के चेहरे की मासूमियत से धोखा नहीं खाना चाहिए। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है, जो योंग से कहने लगा कि आप परेशान मत हो, इस मैटर को मैं खुद हैंडल करूंगा। मैनेजर योंग से कहने लगा कि मुझे लगता है आपको घर जाना चाहिए, बल्कि ऐसा करें कि अगले 2 दिन तक आप ऑफिस मत आए। तभी योंग पूछती है कि क्या तुम मुझे सस्पेंड कर रहे हो, मुझे जिसवी से मिलना होगा, मैं खुद उससे बात करती हूँ। योंग ने नोटिस बोर्ड पर अपनी बोल्ड पिक्चर्स देखी तो उसने वो जल्दी से उतार ली। तभी मैनेजर उसका रास्ता रोककर कहता है कि देखिए मैं सारी बात आपसे खुलकर नहीं कर सकता, लेकिन सिचुएशन समझने की कोशिश करें। नेक्स्ट सीन में योंग ऑफिस से अपने घर जा रही थी, जब बहुत ज्यादा बारिश की वजह से उसको एक जगह पर रुकना पड़ा, थंडर की वजह से उसे बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी उसको याद आता है कि हमेशा किस तरह जिसवी ने थंडर में उसको रिलैक्स करने की कोशिश की, ऐसी सिचुएशन में वो जिसवी को बहुत कर रही थी। तभी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट स्वी आ जाता है। स्वी योंग को इस तरह से परेशान होता देखकर कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। वो दोनों साथ चलने लगे, तभी जिसवी जो कि उसको वहाँ पर बचाने के लिए आया था उनको देख लेता है। स्वी योंग को लेकर अपने घर पहुँच गया था, जहाँ पर वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। स्वी योंग से कहता है कि कल एक बहुत अजीब बात हुई, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं इस सब चीजों की इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। योंग उससे पूछती है कि क्या तुम मुझ पर यकीन करते हो, तभी स्वी कहता है कि यकीन का तो पता नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी साइड पे हूँ, इसलिए तुम परेशान मत हो। तभी स्वी को जिसवी की आवाज आती है, वो बाहर आता है तो जिसवी से कहने लगा कि तुम्हें तुम्हारी असिस्टेंट नहीं मिली तो उसको ढूंढने के लिए यहाँ तक पहुँच गए हो। जिसवी उससे कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो, मैंने अपनी आंखों से तुम दोनों को एक साथ जाते हुए देखा है, वो लड़की है और रात के इस पहर तुम्हारे साथ रूम में अकेली मौजूद है, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ बिल्कुल भी ठीक नहीं। तभी स्वी कहता है कि रुको यहाँ पर, उसका मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं है और मैं नहीं चाहता कि तुम उसे परेशान करो। उसका मूड ठीक करने के लिए मैंने उसके साथ 2 ड्रिंक्स भी ली हैं, अब मैं नहीं चाहता कि तुम दोबारा उसका मूड खराब करो। लेकिन जिसवी उसको आगे से हटाकर अंदर चला जाता है। जिसवी योंग के पास गया तो योंग उससे पूछने लगी कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तभी जिसवी बताता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें लेने आया हूँ, चलो उठो तुम्हें घर जाना होगा। योंग कहती है कि मैं घर नहीं जाना चाहती, प्लीज मुझे परेशान मत करो। जिसवी योंग को वहाँ से लेकर जाता, इससे पहले ही स्वी जिसवी को रोकता है और कहता है कि तुमने आधी रात को मेरे घर पे धावा बोल दिया है और अब इस लड़की को यहाँ से लेकर जा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ हद से आगे बढ़ रहे हो। योंग जिसवी से कहने लगी मेरा हाथ छोड़ो, मुझे ड्रिंक करना है। तभी जिसवी उसे कहता है कि ठीक है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन ये गुस्सा करने वक्त नहीं, सिचुएशन समझने की कोशिश करो। तभी योंग कहती है कि किसने कहा है कि मैं तुमसे नाराज हूँ, टाइम देखो हमारा ऑफ टाइम हो चुका है, मैं अब तुम्हारे अंडर नहीं, तुम इस तरह काम के बाद मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते, मैं खुद अपने घर जा सकती हूँ। वही है जो योंग के कैरेक्टर को लेकर रूमर्स फैला रहा है। तभी जिसवी कहता है कि ठीक है उस पर कड़ी नजर रखो और हाँ उसे कुछ भी पता चलना नहीं चाहिए। मैनेजर जिसवी से पूछने लगा कि जब आपको पता है कि इस सबके पीछे स्वी का हाथ है तो आप उनके बंदों को ऑफिस से निकाल क्यों नहीं देते। तभी जिसवी बताता है कि मैंने अपने तरीके से अरेंजमेंट की हुई है, तुम परेशान मत हो। नेक्स्ट सीन में जिसवी मैनेजर के साथ ऑफिस के ग्राउंड फ्लोर में मौजूद था, तभी लिफ्ट से स्वी और योंग निकलते हैं। जिसवी स्वी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर स्वी कहता है कि क्या मैं यहाँ नहीं आ सकता। वो योंग से अपनी टाई ठीक करने के लिए कहता है, तभी योंग उसकी टाई ठीक करती है। उनके जाने के बाद मैनेजर जिसवी को समझाने लगा कि आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप जानते हैं कि योंग आपसे मोहब्बत करती है, बस वो आपको जेलस फील करवाने के लिए इस बंदे का साथ दे रही है। मूवी आगे बढ़ती है तो स्वी अपने ऑफिस में मौजूद था। तभी योंग उसको कॉफी का एक मग देकर पूछती है कि कॉफी कैसे बनी है। तभी स्वी उसको बताता है कि ठीक है बुरी नहीं है। नेक्स्ट सीन में जिसवी अपने ऑफिस में मौजूद था, तभी मैनेजर ने उसको बताया कि आपका शक बिल्कुल ठीक था, इस सब के पीछे वाइस प्रेसिडेंट स्वी का हाथ है। योंग कहती है कि एक्चुअली मैंने आपको मिस्टर जिसवी के टाइप की कॉफी बना दी, मुझे लगा आपको भी अच्छी लगेगी। स्वी योंग से कहता है कि मेरे शोल्डर्स में पेन हो रहा है, मेरे शोल्डर्स को प्रेस कर दो, लेकिन योंग ऐसा करने से मना कर देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहती। स्वी कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इनकार
कर सकती हो, मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर्स को मानना होगा। जल्दी आओ और मेरे शोल्डर्स प्रेस करो। तभी यंग उसके शोल्डर्स को प्रेस करने लगी। जिसवी जो बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, उसका तो जैसे पेशेंस ही खत्म हो गया। वो ऑफिस में इंटर होकर यंग को वहां से जाने का कहता है, लेकिन यंग उसे कहने लगी कि मैं आपकी असिस्टेंट नहीं हूं, आप मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। जिसवी उसे कहने लगा कि भले तुम मेरी असिस्टेंट ना हो, लेकिन तुम जानती हो कि तुम इस ऑफिस की एम्प्लॉय हो, इसलिए वर्किंग आवर्स में तुम्हें मेरे ऑर्डर्स किसी भी तरह मान्य होंगे। स्वी जिसवी से कहने लगा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने पावर को मिसयूज कर रहे हो? अपनी पोजीशन को तुम्हें इस तरह से अब्यूज नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो दोनों ही ग्रैंडपा का फेवर लेने के लिए उनको कॉन्टेक्ट करने लगे। नेक्स्ट सीन में यंग स्वी के साथ उसके घर पे मौजूद थी। स्वी उसको बताता है कि मैंने अपनी आंट से बोलकर तुम्हारे लिए एक बहुत ही स्पेशल डिश बनवाई है, ये तुम्हें कैसे लगी? यंग बताती है कि ये डिश बहुत ही अच्छी है। तभी वहां पर जिसवी आकर बैठ जाता है, जिससे विंच कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें मुझे ज्वाइन करना चाहिए। वो दोनों एक साथ बैठ गए। तभी वहां पर जिसवी की कजन आ गई, जो जिसवी से कहती है कि शुक्र है मुझे तुम्हारी शक्ल तो देखने को मिली, कितने दिनों बाद मैं तुम्हें यहाँ पर देख रही हूँ। जिसवी उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी उसकी कजन उसको बताती है कि मैं यहाँ तुम लोगों से मिलने आई हूँ, वैसे भी अगर यंग जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। उसकी इस बात पर स्वी उसको एक्सप्लेन करता है कि यंग को यहाँ पर मैंने खुद इनवाइट किया है, और वैसे भी मैं खाना खाने के बाद इसको ग्रैंडपा के पास लेकर जाने वाला हूँ। यंग पूछने लगी कि मुझे क्यों ग्रैंडपा के पास लेकर जा रहे हैं। तभी स्वी कहता है कि तुम्हें डर है कि मैं तुम्हें कोई बड़ी न्यूज ना दे दूं। स्वी अपनी प्लेट यंग को देते हुए कहता है कि ये लो तुम खाना एंजॉय करो। तभी विंच कहती है कि तुम कितनी लकी हो, जो भी तुम्हारे साथ होता है तुम्हारी कितनी केयर करता है, जबकि कुछ लोग तो सारी जिंदगी केयरलेस रहते हैं। उसकी कजन पूछती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तभी विंच कहती है कि मैं जिसवी की बात कर रही हूँ। देखो जरा, हमारी इंगेजमेंट होने वाली है और इस मिस्टर ने अभी तक अपना ड्रेस भी डिसाइड नहीं किया। जिसवी उससे पूछता है कि ये तुम क्या कह रही हो। तभी विंच उसे कहती है कि अगर तुमने इनकार कर दिया तो मैं तुम्हारे साथ प्रोजेक्ट में काम नहीं करूंगी, और तुम जानते हो कि मेरे बगैर ये प्रोजेक्ट कम्प्लीट करना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं। विंच की कजन उससे कहने लगी, तुम कितनी लकी हो जो जिसवी तुम्हारे साथ इंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो गया है, वरना कुछ लोगों ने तो जान की बाजी तक लगा दी लेकिन ये राजी ना हो सका। स्वी उससे पूछने लगा कि तुम किसकी बात कर रही हो। तभी वो बताती है कि मैं किसी और की नहीं, उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके पीछे आजकल तुम पड़े हुए हो। तुम्हें शायद पता नहीं, ये गोल्ड डिगर है। तुमसे पहले तो इसने जिसवी को फंसाने की बहुत कोशिश की, और वैसे भी आजकल तो इसकी न्यूड फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, लेकिन ऐसे लगता है जैसे तुम्हें इन चीजों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। स्वी उसे कहने लगा कि बस बहुत हो गया। तभी यंग कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे लगता है कि मुझे यहां से जाना चाहिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। स्वी यंग को अपनी गाड़ी में बिठाने वाला था, तभी जिसवी उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है, जिस पर यंग कहती है कि तुम विंच को तो प्रपोज कर चुके हो, अब इस सब का क्या मतलब है। गाड़ी में बैठकर यंग ग्रैंडपा को कॉल करके को थैंक्स कहती है। तभी ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि मैं जितना हो सकता तुम दोनों की मैंने मदद की, लेकिन इससे ज्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, आगे सब कुछ तुम दोनों को खुद ही हैंडल करना होगा। तभी यंग जिसवी के बारे में सोचती है, जिसने पास्ट में यंग को सब कुछ बता दिया था। जिसवी ने यंग को बताया कि स्वी मेरा भाई नहीं बल्कि मेरा कजन है, लेकिन इसके फादर को हमेशा मेरे पेरेंट्स से प्रॉब्लम थी, उन्होंने ही मेरे पेरेंट्स का एक्सीडेंट करवाया और उन दोनों की डेथ हो गई, लेकिन जिंदगी के आखिरी हिस्से में जरा टेंशन की वजह से स्वी के फादर का भी दिमाग खराब हो गया, जिसका स्वी को बहुत दुख है। ग्रैंडपा जानते हैं कि स्वी मुझसे बहुत ज्यादा ग्रजेस रखता है, लेकिन वो इस हद तक चला जाएगा इसका हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। जिसवी यंग को बताने लगा कि मुझे रिपोर्ट्स मिली हैं कि स्वी कुछ ऐसी एक्टिविटीज कर रहा है जिसमें वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए तुम्हें बहुत ज्यादा सावधान रहना होगा। यंग ने उसकी बात का यकीन कर लिया। यंग उसको बताने लगे कि हाँ, मेरी बर्थडे वाली रात जब स्वी मेरे पास आया था तो मैंने उसको किसी से फोन पे बात करते हुए सुना था। जब वो किसी से कह रहा था कि यंग और जिसवी का रिलेशनशिप बहुत खास है, किसी भी तरह से इनको डिस्टॉर्ट करो, किसी को हम पे शक नहीं होना चाहिए, वो किसी सीक्रेट एजेंसी को हायर करने की भी बात कर रहा था, लेकिन जब वो ड्रिंक करने के लिए मुझे अपने घर ले गया, मैं उन सारी डॉक्यूमेंटेशन की पिक्चर्स ले चुकी थी। इस तरह स्वी की गेम उसी पर भारी पड़ गई। यंग जिसवी को वो पिक्चर्स दिखाती है जो कि उसने स्वी के घर पे ली थी, और उसे कहने लगे कि हमारे पास इसकी एक और वीडियो भी मौजूद है जहां पर वो लोगों को हमें हर्ट करने के लिए भेज रहा है। मेरा ख्याल है कि स्वी के खिलाफ इतने सबूत काफी है, अब हम उसको आराम से पकड़ सकते हैं। वो दोनों ही इस बात से बेखबर थे कि कोई उनकी पिक्चर्स क्लिक कर रहा है। मूवी आगे बढ़ी तो स्वी अपने घर में मौजूद था। तभी कोई इसको कॉल करके बताता है कि मैंने उन दोनों का पीछा किया। वो दोनों गाड़ी में एक साथ थे, वो काफी खुश और इंटीमेट नजर आ रहे थे। उसके बाद जिसवी यंग के साथ उसके घर गया और उसने सारी रात वहां पर गुजारी। स्वी कहता है कि मुझे आइडिया नहीं था जिसवी इतना टैलेंटेड है कि वो एक ही दिन में उनको राजी कर लेगा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, उन्हें हम पे शक हो गया है, बल्कि उनके पास हमारे खिलाफ काफी एविडेंसेस मौजूद हैं। लेकिन मैं तुम्हें बार बार कहता हूं कि तुम सावधान रहो, और एक बात और, अब हमें कोई बड़ा स्टेप लेना होगा। मुझे पता चला है कि जिसवी मुझसे जान छुड़ा
जाना चाहता है, लेकिन अब मैं भी पोलाइट नहीं रहूंगा। इसके बाद ही स्वी किसी को कॉल करके कहने लगा कि जिस गटर में तुम छुपे हुए हो वहाँ से बाहर निकल आओ, क्योंकि अब तुम्हें मेरे लिए कुछ करना होगा। नेक्स्ट सीन में स्वी जीस्वी के साथ मीटिंग में मौजूद था। मीटिंग ओवर ही तो जीस्वी अपना फोन यूज कर रहा था, तभी स्वी उससे कहता है कि आज तुम्हारा मूड कुछ ज्यादा ही अच्छा है, क्या इसकी कोई खास वजह है? तभी जीस्वी उससे कहने लगा कि सारी चीजें तुम्हारी सामने हैं, तुम्हें पता है कि प्रोजेक्ट कितने अच्छे से जा रहा है, इस पर मेरा खुश होना तो बनता ही है। लेकिन ये बात जैसे स्वी को हजम ना हुई, वो जीस्वी से कहने लगा कि तुम्हें पता तो है जब हम बहुत ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो अक्सर नीचे गिर जाते हैं, अक्सर खुशी अपने साथ गम लेकर आती है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम सावधान रहो। जबकि दूसरी तरफ योंग अपने ऑफिस में मौजूद थी, तभी उसको कॉल आती है और कॉल करने वाले ने उसको बताया कि जुटैंग हमारे साथ मौजूद है, वो बहुत ज्यादा हर्ट हो चुका है, इसलिए तुम उसको बचाने के लिए पहुँचो। योंग बिना सोचे समझे उनकी बताई हुई जगह पर पहुँच चुकी थी, तभी वो लोग उसको अगवा कर लेते हैं। अगवा करने के बाद वो अपने मालिक को कॉल करके बताने लगे कि मिस्टर स्वीट, जिस तरह आपने कहा था हमने बिल्कुल वैसे ही किया, आप परेशान मत हो। कुछ ही देर में जिस्वी उस जगह पहुँच चुका था जहाँ पर पहले से ही स्वी मौजूद था। तभी जिस्वी स्वी से कहने लगा कि अच्छा तो इस सब के पीछे तुम हो, अब तुम खुलकर सामने आ चुके हो। स्वी जिस्वी से कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे लगता है कि हम दोनों भाइयों को अब डायरेक्टली बात करनी चाहिए। तभी जिस्वी उससे कहने लगा कि देखो योंग मासूम है, उसका कोई रोल नहीं है इस सब में, तुम उसको बाहर निकालो इस सब में से, हमारा जो भी मैटर है वो मेरे और तुम्हारे बीच में है, इसमें उसका कोई ताल्लुक नहीं। तभी स्वी कहता है कि अच्छा जी, अगर मैं उसको बाहर निकालूं तो तुम इतनी बर्दाश्त कर सकोगे? जिस्वी कहता है कि हाँ, उसकी खातिर मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। तभी स्वी उसको डंडे से मारता है। जब जिस्वी रिएक्ट करने लगा तो स्वी उससे कहता है कि कुछ भी करने से पहले सोच लेना, अगर तुमने जरा सी भी मूवमेंट की तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम इस जिंदगी में योंग को देख भी नहीं पाओगे। स्वी जिस्वी को घुटने पर मारकर कहता है कि तुम्हें घुटनों के बल झुकना चाहिए, मुझे तुमसे बहुत ज्यादा नफरत है, देखो मेरे और तुम्हारे रगों में एक ही खानदान का खून है, लेकिन उसके बावजूद भी सब लोग मुझे इन्फीरियर समझते हैं। तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दी गई, तुम्हें हमेशा मुझसे ज्यादा पसंद किया गया, इवन के वो बुढ़ा भी तुम्हें हमेशा प्रेफर करता है, हमेशा तुम्हारी साइड लेता है। तुम्हें क्या लगता है, क्या इस सब पर मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए? लेकिन अब मैं मजीद घुट घुट कर नहीं जीऊंगा, मैं खुलकर सामने आना चाहता हूँ, मुझे अपनी भड़ास निकालनी है, मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा और ना ही तुम्हें जाने दूंगा। जिस्वी उससे कहने लगा कि इस सब की वजह तुम्हारे फादर है, क्या तुम्हें आइडिया है कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को कत्ल किया? सब कुछ जानते बूझते भी ग्रैंडपा ने कभी तुम्हारे सामने हकीकत को नहीं आने दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि ये सब चीजें तुम्हें बहुत हर्ट करेंगी। ग्रैंडपा ने हर चीज के बावजूद तुम्हें हमेशा काइंडनेस के साथ डील किया, लेकिन तुम तो आस्तीन का सांप निकले, उनके काइंडनेस का तुम इतना अच्छा सिला दे रहे हो, मुझे भी और उन्हें भी। स्वी जिस्वी से कहने लगा कि बकवास, बिल्कुल बकवास, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी खुद की बनाई हुई कहानी पर यकीन कर लूंगा? तुम जो कह रहे हो ये सब झूठ है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन खैर सच्चा या झूठा, अच्छा या बुरा, जैसा भी था हमारे बीच में एक रिलेशन रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऑफर देता हूँ, तुम कंपनी से रिजाइन करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को रिहा कर दूंगा, जितना प्यार तुम उससे करते हो मुझे लगता है उसके लिए तुम इतना तो कर ही सकते हो। तभी जिस्वी कहता है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, जो कुछ तुम कर रहे हो इसके बाद तुम्हारा बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं कि इन सारी चीजों को यहीं पर रोक देते हैं, ऐसे समझते हैं जैसे हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, योंग को जाने दो और मैं इस मामले को यहीं पर रफा दफा करता हूँ, और मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने इन कामों से पीछे हटो। तभी स्वी कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं इस हद तक पीछे हटने के लिए नहीं आया और ना ही मैं पीछे हटूंगा, मैं तुम्हें जैसे कह रहा हूँ तुम वैसा ही करो वरना तुम्हें बहुत महंगा पड़ने वाला है। स्वी उससे कहने लगा कि जितना घुमंड तुम करते हो ये सब उस बुढ़े की वजह से है जो हमेशा तुम्हारी साइड लेते हैं, और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड इस गाड़ी में मौजूद है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैंने जहाँ पर उसको रखा हुआ है वो तुम्हारी सोच से भी बाहर है और ना ही वो मेरे कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने सारी चीजें किसी और के हवाले की हुई हैं। ये सब सुनने के बाद जिस भी उससे स्टिक लेकर उसके साथ फाइट पैक करने लगता है। के दूसरी तरफ योंग होश में आ चुकी थी, तभी वो किडनैपर को देखती है और पूछती है कि तुम कौन हो। किडनैपर उसे कहता है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो क्योंकि मैं सीक्रेट एजेंसी के वांटेड क्रिमिनल्स में से टॉप पर हूँ। योंग उसे कहती है कि जो क्राइम्स तुमने पहले किए वो बहुत डिफरेंट थे, लेकिन किडनैपिंग एक बहुत बड़ा जुर्म है, इसलिए तुम बहुत ज्यादा पछताने वाले हो, तुम्हारी कम से कम सजा भी 10 साल जेल होगी। अब भी देर नहीं हुई, मैं तुम्हें कहती हूँ कि मुझे जाने दो और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। तभी किडनैपर उसको कहता है कि तुम्हें लगता है कि इस दुनिया में सबसे बुरा काम जेल जाना है? अगर आज मैं तुम्हें जाने दूं तो स्वी जो मेरे साथ करने वाला है उसके आगे तो जेल जाना कुछ भी नहीं। योंग उसे कहती है कि देखो मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, अगर ये सब कुछ कंपनी की वजह से है तो मैं बहुत जल्द अपनी जॉब छोड़ने वाली हूँ। मैं जानती हूँ कि इस सब के लिए वाइस प्रेसिडेंट स्वी ने तुम्हें मजबूर किया है, लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैंने उसके खिलाफ काफी काम किया है, इवन मेरे फोन में एविडेंसेस भी मौजूद है जहाँ पर वो तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा था। ये सुनने के बाद बिना सोचे समझे किडनैपर जल्दी से योंग का फोन ऑन करने लगा, जबकि दूसरी तरफ जुटैंग और मैनेजर योंग के फोन के सिग्नल को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन काफी देर से उनको सिग्नल नहीं मिल रहा था क्योंकि योंग का
फोन स्विच ऑफ था। किडनैपर के फोन ऑन करते ही मैनेजर को योंग के फोन के सिग्नल मिले और यही न्यूज वो जिस्वी को देता है। किडनैपर फोन देखने के बाद सेटिस्फाइड नहीं हुआ और वो योंग से कहने लगा कि ये एविडेंसेस काफी नहीं है। योंग किडनैपर से कहती है कि देखो स्वी तो ग्रैंडपा का ग्रैंडसन है, वो उन्हें जाने देगा लेकिन तुम्हें कोई नहीं छोड़ने वाला। मैं जिस्वी जो कि योंग को ढूंढ रहा था वहां पहुंच चुका था। जिस्वी को देखकर किडनैपर उसे कहता है कि एक स्टेप भी आगे मत बढ़ना वरना तुम इस लड़की से हाथ धो बैठोगे। तभी जिस्वी उससे कहता है कि देखो मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं लेकिन इस लड़की को जाने दो। तभी किडनैपर उसे कहता है कि तुम दोनों भाइयों की वजह से मैं इस सिचुएशन में फंसा हुआ हूं, मुझे तुम्हारी किसी बात पर भी यकीन नहीं है। मुझे इमीडिएटली 10 मिलियन युआन चाहिए, वो भी कैश में, और इसके अलावा मुझे एक ऑफ रोड गाड़ी चाहिए जिसको ट्रेस ना किया जा सके। जिस्वी अपने मैनेजर को कॉल करके कहता है कि ये दोनों चीजें जल्दी से अरेंज करो, बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए। योंग किडनैपर के हाथ पे बाइट करती है तभी जिस्वी उसको किक करके पीछे गिरा देता है। इतने में मैनेजर और सुटांग भी वहां पर पहुंच चुके थे जो किडनैपर को पकड़ लेते हैं। योंग जिस्वी से पूछती है कि तुम्हारे हाथ से खून क्यों आ रहा है। तभी जिस्वी कहता है कि ये इतना जख्म नहीं है, तुम टेंशन मत लो। योंग जिस्वी को सॉरी बोलती है और कहती है कि देखो मेरी वजह से तुम्हें इतना परेशान होना पड़ा, ये सारी मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी जिस्वी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका इसलिए तुम आज इस हालत में मौजूद हो, मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। मूवी आगे बढ़ी तो जिस्वी योंग के घर पे मौजूद था। तभी सुटैंग काफी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमें पहले ही जान के लाले पड़ चुके हैं, मैं तुम्हारी वजह से मजीद मुसीबत मोल लेने के लिए तैयार नहीं, इसलिए यहाँ पर मत आया करो, काफी हिम्मत है तुम्हारी जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी यूं मुंह उठाकर यहाँ आ गए। योंग सुटैंग को मना करती है और कहती है कि इस तरह बदतमीजी मत करो, तुम देख रहे हो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तभी सुटैंग कहता है कि इसकी साइड मत लो, तुम भूल चुकी हो कि इसकी वजह से हमने पहले कितना कुछ फेस किया है। योंग उसे कहती है कि इस तरह गुस्सा मत करो, मेरे खुद की तबीयत ठीक नहीं है, बल्कि तुम यहाँ से जाओ। जुटैंग के जाने के बाद योंग जिस्वी से कहती है कि देखो तुम्हारे हाथ में कितना दर्द हो रहा होगा, अगर मैं बेवकूफों की तरह वहाँ मुंह उठाकर ना चली जाती तो ये सब ना होता, प्लीज मुझे माफ कर दो। जिस्वी उसे कहता है कि अगर मैं तुम्हारी लाइफ में ना आता। योंग को पानी चाहिए था, तभी जिस्वी उसको एक गिलास पानी देने के बाद उसको काफी गौर से देख रहा था। तभी योंग पूछती है कि क्या तुम्हें भी पानी पीना है, और साथ ही वो जिस्वी को अपने हाथ से पानी पिलाने लगी। इतने में वहाँ पर ग्रैंडपा आ चुके थे जिनको वहाँ पर देखकर वो दोनों ही चौंक गए। ग्रैंडपा कहते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो और तुम्हें क्या हो गया है लड़के, तुम इतने कमजोर क्यों हो गए हो। योंग उनसे कहती है कि इसकी कुछ लड़ाई हो गई थी जिसमें इसको मार पड़ी, लेकिन ये ठीक है, आप टेंशन मत लें। ग्रैंडपा कहने लगे कि मैं इसकी टेंशन बिल्कुल भी नहीं ले रहा क्योंकि इसकी सारी जिंदगी इस तरह मार खाने में गुजर गई है। ग्रैंडपा जिस्वी को एक कप चाय लाने के लिए कहते हैं। तभी योंग कहती है कि मैं आपको चाय बना देती हूँ, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। जिस पर ग्रैंडपा कहने लगे कि बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको इन छोटे मोटे जख्मों से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इसकी आदत है इस तरह की मार खाना। जिस्वी ग्रैंडपा को चाय देता है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम दोनों टेंशन बिल्कुल भी मत लो, स्वी और उसके असिस्टेंट दोनों ही अरेस्ट हो चुके हैं, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे पता नहीं था कि मैं जवानी से लेकर अब तक आस्तीन का सांप पाल रहा था, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी मुश्किल का सामना करना पड़ा, लेकिन तुम टेंशन मत लो, अब जो भी बाकी है उसका मैं और जिस्वी अच्छी तरह ख्याल रखेंगे। योंग उनसे कहने लगी कि आप खुद को ब्लेम बिल्कुल भी मत करें, जो होना था वो हो चुका है। ग्रैंडपा जिस्वी को बताते हैं कि स्वी के फादर ने तुम्हारे पेरेंट्स का कत्ल करवाया, उसके बाद उसके खुद का भी दिमाग खराब हो गया, लेकिन अपने खानदान की इज्जत की वजह से मैंने किसी को ये बात नहीं पता चलने दी और मैंने सबसे कहा कि वो मर चुका है जबकि वो एक मेंटल हॉस्पिटल में मौजूद है। उसके बेटे को मैंने हमेशा पिता जितना प्यार दिया, लेकिन देखो उसके दिल में हमारे लिए कितनी नफरत थी, मुझे आइडिया नहीं था कि हमारी नफरत में वो इस हद तक चला जाएगा। इस सब पर वो रोने लगे तो योंग उनसे कहती है कि आप खुद को परेशान मत करें, बुराई का रास्ता स्वी ने अपने लिए खुद चुना था और जो कुछ उसने किया आज उसका रिजल्ट उसके सामने है। ग्रैंडपा कहते हैं कि बस इस चैप्टर को आप बंद करो, मैं मजीद इन बातों को डिस्कस नहीं करना चाहता, जिसमें मैं तुम्हें बता दूं कि ये लड़की मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मूवी के लास्ट सीन में योंग बीच साइड रेस्टोरेंट में मौजूद थी। तभी एक लड़का उसके पास आया और उसे पूछने लगा कि क्या आप सिंगल हैं। योंग उसे कोई जवाब देती इससे पहले ही जिस्वी वहां पहुंच चुका था, जो उस लड़के से कहता है कि नहीं ये सिंगल नहीं है, तो मुझे तुम्हारे लिए अफसोस हो रहा है। योंग जिस्वी से कहती है कि किसने कहा कि मैं सिंगल नहीं हूं और मैं कब से तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन गई, तुमने तो आज तक मुझसे अपनी फीलिंग्स भी शेयर नहीं की। जिस्वी योंग से कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, ठीक है कि ये बात मैं तुम्हें पहले भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन आज तुम्हें सच्चे मन से बता रहा हूं। मैं मानता हूं कि पास्ट में मुझसे कई ऐसी मिस्टेक्स हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, मैंने बहुत से ऐसे काम किए जिसने तुम्हें हर्ट किया, लेकिन मैं आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। मेरी मेमोरी वापस आ चुकी थी लेकिन मैंने ये बात तुमसे छुपाई जिसको लेकर तुम मुझसे नाराज थी, क्या तुम आज तक मुझसे नाराज हो। योंग को गुस्सा आने लगा तो वो कहती है कि तुम एक बहुत ही बुद्धू इंसान हो, अगर मैं तुमसे नाराज होती तो मैं यहाँ पर खड़ी क्या कर रही होती। ऑफ कोर्स मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, लेकिन आइंदा मुझसे कोई भी झूठ मत बोलना। जिस्वी योंग को फ्लावर्स को बुके देने के बाद उसको प्रपोज करने लगा, लेकिन योंग उसको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती। जिस्वी बेदिल होकर अपनी रिंग वापस रखने ही लगा था, तभी योंग चिढ़ते हुए उसे पूछने
पूछने लगी कि तुम रिंग वापस क्यों रख रहे हो, जिसमें उसे कहने लगा मैं जानता हूँ कि तुम इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। तभी योंग कहती है कि असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि सिचुएशन काफी बदल गई है। तुम्हारे नॉवल के मुताबिक मैं तुम्हारी बॉस हूँ, उस तरह मैं तुम्हें ऑन करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें प्रपोज करना चाहिए, इसलिए मैं अपने साथ एक रिंग लाई थी। वो दोनों एक दूसरे को रिंग पहनाने के बाद एक दूसरे को किस करने लगे। इसी के साथ हमारी मूवी खत्म हो चुकी थी, लेकिन अगर यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। स्टे ट्यून्ड।